हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वी आर लाइव। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में चैट यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, हाँ इट्स ऑन। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द क्लास। आज हम ऑर्गन पाइप करने वाले हैं। ऑर्गन पाइप मतलब जैसे बांसुरी होती है ना तुम्हारी, तो जब बांसुरी तुम बजाते हो तो बांसुरी में भी मतलब अगेन जैसे स्ट्रिंग को तुम बजाना तो तुमने सीख लिया था, जब हम स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। अब जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, बट यार बांसुरी में तो एयर ऑसिलेट करती है ना, एयर ऑसिलेट करती है, तो वो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि यार स्टैंडिंग वेव जो एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो स्टैंडिंग वेव बनती है ऑर्गन पाइप्स में, जिसकी वजह से ऑर्गन पाइप बजता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, तो वो कैसे होता है? ट्रस्ट मी यार, ये सबसे सिंपल टॉपिक है और इससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। सबको पता होगा ना, सबने वो फॉर्मूले रटे हुए हैं, V/4L, V/2L। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आज तक कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है। एंड अगेन टुडे द नेशन विल सी कि कैसे, नेशन तो नहीं मतलब द नेशन में जितने भी लोग फिजिक्स में ऑर्गन पाइप्स पढ़ना चाहते हैं वेव्स में, वो देख सकते हैं इसको। स्पेशली नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हार्ट्स आते रहने चाहिए, इसको शेयर करते रहना। एंड आई होप कल का मोटिवेशन आपको अच्छा लगा, वो कहानी बहुत अच्छी लगी आपको। ठीक है, तो सर्च करके देख लेना, नमो कॉल मोटिवेशन, यू विल लव इट। ठीक है, तो कल मैंने एक वीडियो डाला था। उसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी जेई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। उसके अलावा Super 7, माय डियर स्टूडेंट्स, Super 7 की जो टीम है, the JEE Live Daily Team को आप डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस विद द हैशटैग JEE Live Daily और @ नमो कॉल बेटा। ये मेरा आईडी हर जगह है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। ठीक है, आप हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब हो या टेलीग्राम, ठीक है, हर जगह सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सर्च मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आप मुझे इससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर्स इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर्स इन द कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड टीचर्स इन द कंट्री। खाली IIT में नहीं, खाली एन अकेडमी में नहीं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कॉर्ड बेटा, डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी, टेलीग्राम, ये आप सब देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा फाइनल लैब सीरीज, जहां पे हम फेब्रवरी में, बेटा फेब्रवरी के महीने में सब कुछ कवर करने वाले हैं, है ना, तो बेसिकली सब कुछ कवर होने वाला है। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द अनअकैडमीज ऐप। आप नमो कोड यूज करके आ सकते हैं, नमो इज द कोड जिससे आप फ्री में अटेंड कर पाएंगे सारी क्लासेस। नमो इज द इनवाइट कोड बच्चों, नमो या नमो लाइव। फाइनल लैब की सीरीज में आ सकते हैं आप, JEE मेन 2021 की कंप्लीट रिविजन सीरीज है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारी इंडिया की नंबर वन टीम इसको कवर कर रही है। और ये 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, एवरीवन प्लीज नोट, 10 o'clock द क्लासेस स्टार्ट, मतलब 10 AM पे मेरी क्लास होती है, 8:30 को समीर सर की होती है। अगेन ऑल दी क्लासेस यू विल बी एबल टू सी, द स्केड्यूल इज राइट देयर। ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो होता है, लाइव क्लास एनवायरमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस एनालिसिस के टूल्स हैं, वीकली टेस्ट सीरीज, DPPs, एवरीथिंग इज देयर एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो उसको आप यूज करना बिल्कुल ना भूले, और कल की फाइनल लैब की सीरीज में आना भी बिल्कुल ना भूले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में भी स्पेशल क्लासेस और बहुत सारी चीजों का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं विद द कोड नमो या नमो लाइव। और बेटा उसके अलावा अगर आपको इंडिया की टॉप टीम के साथ पर्सनलाइजेशन के साथ पढ़ना है, तो यार फिर चाहे वो JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री हो, ऑल यू हैव टू डू इज कम ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड नमो या नमो लाइव। इससे आपको एक तो वो अनलॉक हो जाएगा, आपका फ्री फाइनल लैब अनलॉक हो जाएगा, स्पेशल क्लासेस फ्री हो जाएंगी। बट अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हैं, देन उस केस में आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आपको रेकमेंड करते हैं आप बड़े से बड़ा सब्सक्रिप्शन लो, उससे आपकी पर मंथ कॉस्ट काफी कमाएगी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन, डेबिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलेगा। आइकॉनिक भी आपको बड़े सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है, इसके बारे में डिटेल में एंड में डिस्कशन करेंगे। अब लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। चलो वेव्स लेक्चर 10 ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं, ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं। तो पहले तो कुछ ऐसे फंडे, ऐसे किलर विजुलाइजेशंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा टॉपिक। बट उससे पहले बच्चों जल्दी से अभी के अभी लाइक का बटन दब जाना चाहिए और अभी के अभी इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए बेटा, शेयर इट राइट अवे। रैम्पेंट शेयरिंग होनी चाहिए, रैम्पेंट शेयरिंग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी के अभी इसको आप शेयर कर दीजिए, दिस इज फॉर द टीम। ठीक है, इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, मैं देख रहा हूं आप लोग शेयर नहीं करने। चलो अब बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव कैसे बनती है या स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? जब यार यहां से एक वेव आती है और यहां से एक वेव आती है, एवरीवन नोज दिस, जब यहां से एक वेव आती है, यहां से एक वेव आती है,
और जब ये सुपरपोज करते हैं, जब ये इंटरफेयर करते हैं और सुपरपोज करते हैं, तो आपको एक स्टेशनरी वेव मिलती है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो आपको यहां पे एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव मिलती है, टंग 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 टंग, जो यहीं पर करती रहती है ना. तो दिस इज लाइक अ स्टेशनरी वेव, है ना. यहां से एनर्जी फ्लो, यहां से एनर्जी फ्लो, इसमें कोई एनर्जी फ्लो नहीं है, इसीलिए स्टेशनरी वेव है ना. ठीक है, यहां से देखो एनर्जी फ्लो कर रही है, यहां से एनर्जी फ्लो कर रही है, नेट एनर्जी फ्लो इसमें जीरो है. ये एक स्ट्रिंग की तरह टंग 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 ऐसे ऐसे होती जा रही है. ठीक है, दैट इज लाइक अ स्टेशनरी वेव, है ना. ठीक है, आगे बढ़े, जो आपने स्ट्रिंग में देखा था, आगे बढ़ते हैं. सो एवरीवन, स्टेशनरी वेव्स, अब यार ये आज का सबसे किलर विजुलाइजेशन है, इसके बिना अगर आपने पढ़ा ना तो क्या पढ़ा, स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप. अब यार आपको ये देखना पड़ेगा कि यार स्टेशनरी वेव आपने स्ट्रिंग में तो देखी थी, स्ट्रिंग में तो देखी थी, ये टंग 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 जैसे स्ट्रिंग में आपने देखी थी ना, स्ट्रिंग में ये एक फ्रीक्वेंसी थी, याद करो, है ना, एक स्ट्रिंग में ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये 2f0 था, ये 3f0 था, ये 4f0 था. ठीक है, चार पत्तियां, तीन पत्तियां, थ्री लूप्स भी कहते हैं इसको. देखो दिस इज वन लूप, दिस इज अनदर लूप. ठीक है, एक स्टेशनरी वेव बन रही है ना. देखो ये स्ट्रिंग, लाल रंग की स्ट्रिंग, इसमें स्टेशनरी वेव कर रही है. वैसे ही हमें ये तो समझ में आता था, बट क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है यार, यहां पे तो SHM ऐसे ही ऐसे हो, ऐसे ऐसे ही हो रहा है, बट यार इसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द स्टेशनरी वेव इन द एयर मॉलिक्यूल्स. तो बेटा अगर ये एयर है, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, अगर ये एक एयर का मीडियम है, तो आप देख पा रहे हैं ये नोड है ना, ये भी नोड है. नोड मतलब यार यहां पे कोई ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए. देखो यार यहां के एयर मॉलिक्यूल्स, देखो इस लाइन पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्डली मूव कर रहे हैं. इसको देखो ये हार्डली मूव कर रहा है ना, इसको देखो ये हार्डली मूव कर रहा है, इसको देखो ये हार्डली मूव कर रहा है ना. ये वाले थोड़े स्टैटिक हैं, ये वाले थोड़े स्टैटिक हैं, ठीक है ना. बट अगर मैं एंटी नोड की बात करूं, मेरे बच्चों अगर मैं एंटी नोड की बात करूं, लुक एट दिस, हार्डली मूविंग है ना, हार्डली मूविंग. ठीक है, समझ पा रहे हो, ये जो इसके पास वाले हैं वो हार्डली मूव कर रहे हैं. बट अगर मैं एंटी नोड वालों की बात करूं, एवरीवन अब यार यहां पे ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब अगर मैं एंटी नोड, ये देखो ये एंटी नोड है, टक 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 टक, है ना. तो यार यहां पे तो तुम्हें सबसे बड़े बड़े SHM मिलेंगे. दिस इज एंटी नोड, ये एंटी नोड है. यहां पे देखो एयर मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है, यहां पे एंटी नोड पे एयर मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है. एवरीवन कैन यू सी दिस, है ना. देखो यार यहां पे, ओ माय गॉड यार, ये तो बहुत बड़ा SHM कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे इसको पकड़ते हैं यहां पे इस रीजन में, ये तो बहुत बड़ा SHM हो रहा है. ठीक है, उसके अलावा ओके, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये ब्लू वाला देखो, ये बहुत बड़ा SHM कर रहा है. तो एंटी नोड के आसपास लोग ज्यादा बड़ा SHM कर रहे हैं यार, यहाँ पे हार्डली SHM हो रहा है. एक और नोड को पकड़ते हैं, चलो ये एक और नोड को आपने पकड़ा. ठीक है, रुको एक मिनट. तो जब आपने एक और नोड को पकड़ा, इस ब्लैक लाइन को देखिए, ये नोड हो गया. यहाँ पे देखो हार्डली मूविंग, हार्डली मूविंग, कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है. हार्डली मूविंग, हार्डली मूविंग, हार्डली मूविंग. क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं. ये नोड है, ये एंटी नोड है, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मूव कर रहे हैं, ये एंटी नोड है. ठीक है, सो यार यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स में भी स्टैंडिंग वेव बन जाती है. ये आज का सबसे किलर विजुअलाइजेशन है. अगर आपको ये मजा आया तो डेफिनेटली इसको शेयर करना इंस्टाग्राम स्टोरी पे, #द वर्ल्ड शुड नो दिस. आप मुझे टैग भी जरूर कर देना, ठीक है ना. और अगर आपने ऐसा किया तो आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस, 12 बजे से पहले आज रात को. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो रीशेयर योर स्टोरी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई. अब आपको ये भी समझ में आना पड़ेगा कि यार यहां पे, एवरीवन कैन यू नोट हियर, ये एक ओपन एंड है, ओपन एंड है ये ना, बेसिकली एक ऑर्गन पाइप में ही कुछ हो रहा है, ये एक ओपन एंड है. कैन यू सी दिस, इट्स एन ओपन एंड, है ना. बांसुरी दो टाइप की हो सकती है जिनको आप बजा सकते हो, बांसुरी दो टाइप की हो सकती है जिनको आप बजा सकते हो, दोनों एंड से खुली हुई. इट इज नथिंग बट अ हॉलो ग्लास ट्यूब, हॉलो ग्लास ट्यूब या बांसुरी तुम्हारी उसकी बनती है ना. तो एवरीथिंग, मतलब ये कहने का मतलब ये है, जैसे यार इसमें होल है, एवरीवन कैन सी दिस, इसमें होल है, इट्स लाइक अ स्ट्रॉ, इसको भी आप बजा सकते हो. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर मैं ऐसे करूंगा, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं रैंडमली कर रहा हूं, बट आपको पता है आप इसको बजा सकते हो. आप पेन के कैप को भी बजा सकते हो, ठीक है ना. पेन का कैप क्या होता है, पेन का कैप आपका इज अ गुड एग्जांपल, पेन का कैप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ये तो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसको भी आप बजा सकते हो, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को भी आप बजा सकते हो. ठीक है, समझ गए मेरी बात. तो एवरीवन बजाते रहो, है ना, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आप बजा के देखना, ट्राई करना थोड़ा सा. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर पे आप आ गए तो वो बजेगा, हमेशा नहीं बजता. वेव फिट होनी चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, तभी जाके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे. ठीक है ना, जैसे F0 10 है तो 10 हर्ट्ज पे ये एक लूप करेगा, 20 पे ये एक और लूप करेगा, 15 पे नहीं करेगा. तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट दैट रियली वेल. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, एक और किलर, ये देखो ये तीन चीजें अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो तुम सब कुछ कर सकते हो. यहां से एक वेव आती है, यहां से एक वेव आती है, तब जाके स्टैंडिंग वेव बनती है. बट तू बोलेगा, सर आप यहां से एयर ब्लो कर रहे हो, यहां से एक वेव आ रही है, तो यार यहां से भी एक वेव आपको लानी पड़ेगी फॉर इट टू रियली क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव. हाँ सही बात है यार, यहां से एक साउंड वेव आएगी, यहां से एक साउंड वेव आएगी, तब जाके
तब जाके ही ये एक तरीके से स्टेशनरी वेव बनेगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार ये रिफ्लेक्शन होता है इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयरर मीडियम, और ये सबसे मजेदार चीज है, आज आपको बड़ा मजा आएगा। ऑर्गन पाइप सबसे प्यारी चीज होती है, एंड लेट मी टेल यू, ये 1.5 आवर, क्लोज टू 1.5 आवर आपके लाइफ के बहुत बेहतरीन 1.5 आवर्स होंगे। ऑर्गन पाइप आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने रटा है अनलर्न करना जरूरी है। Everyone, let's have a look at this. आपको पता है जब एक वेव रिफ्लेक्ट करती है एक फिक्स्ड एंड से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ फिक्स्ड और अ डेंस एंड, इसको मैं डेंस भी बोल सकता हूं, दिस इज डेंस एंड दिस इज रेयर, ठीक है ना, दिस इज लाइक अ फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड और डेंस्ड, है ना, और डेंस, और यार ये आपका फ्री एंड है, फ्री या रेयर, ठीक है, एक फ्री एंड है। तो यार डेंस जहां पे मीडियम होता है वहां पे वेव ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, तो यार यहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यार यहां पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे वेव से वेव मिलती है, तो यहां पे बनता है एंटीनोड, फ्री एंड पे बनता है एंटीनोड, फ्री एंड पे बनता है एंटीनोड, और यहां पे बनता है नोड, ठीक है, यहां पे बनता है नोड, ठीक है, क्योंकि यार यहां पे होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, तो यार यहां पे होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यार ये मैं क्यों बता रहा हूं, और ये बेसिकली स्ट्रिंग को जब आप देखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, बट आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग की स्टेशनरी वेव और एयर मॉलिक्यूल्स की स्टेशनरी वेव में कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि स्ट्रिंग में SHM ऐसे ऐसे होता है, एयर मॉलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे होता है। सो बेसिकली दिस इज लाइक दैट लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म ऑफ अ स्टेशनरी वेव, ठीक है ना, ये अगर ट्रांसवर्स है तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो बेसिकली इसको भी आप ऐसे डिपिक्ट कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं कि यार ऑर्गन पाइप में अगर मैंने स्टेशनरी वेव ऐसे बनाई, इसका मतलब यह है जहां पे नोड है यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं कर रहे, यहां पे इतना बड़ा एम्पलीट्यूड है तो यहां पे ज्यादा ज्यादा ऑसिलेट कर रहे हैं, तो यार एयर में बट ये बार बार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना यार, इतने सारे इनफाइनाइट एयर मॉलिक्यूल्स में कैसे बनाऊंगा, तो डिपिक्ट करने के लिए अपन यही करते हैं, समझ गए मेरी बात। स्ट्रिंग में तो बिल्कुल सिंपल है यार, ये हो रहा है, यही है, यही है SHM, देखो ये पार्टिकल यहां पे SHM कर रहा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे, ये वाला पार्टिकल नहीं कर रहा है, ठीक है, अलग अलग एम्पलीट्यूड के SHM करते हैं स्टेशनरी वेव में। तो यार अब आपको पहले तो ये विजुलाइज हो गया, अब ये देखो ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आज आपने कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इन्हीं को अप्लाई करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये एक और कॉन्सेप्ट, सॉरी एक और कॉन्सेप्ट है, एंड देन यू आर डन, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तो तुमने देख लिया, बट दिस इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स में हमने ये पढ़ा था कि जब, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब आपकी वेव है ना रेयरर से डेंसर जाते हैं, तो बेसिकली यार ये वाला जो एंड होता है ये एक फिक्स्ड एंड की तरह ट्रीट करोगे तुम इसको, दिस इज लाइक अ फिक्स्ड एंड, दिस इज लाइक अ फिक्स्ड एंड, और जब मोटे तार से पतले तार में जाते हैं, ठीक है, जब आप एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हो तो बेसिकली आप इसको बेसिकली फ्री एंड की तरह ट्रीट करते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये एक फिक्स्ड एंड है, देखो ये हिला नहीं, ठीक है, बट यार ये वाला एंड ये पूरा का पूरा हिल जाता है, ठीक है, ये वाला देखो हिलता नहीं है, एवरीवन कैन सी दिस, है ना, तो मतलब अगेन इट्स लाइक अ फिक्स्ड एंड, दिस इज लाइक अ फ्री एंड, दिस इज लाइक अ फिक्स्ड एंड, दिस इज लाइक अ फ्री एंड, तो यार यहां पे आपको पता होना चाहिए हमेशा यहां पे वेव दोनों में, देखो जब भी वेव रेयरर से डेंसर जाती है या डेंसर से रेयरर जाती है, रिफ्लेक्शन दोनों में होता है, तो यार यहां पे एक इंसिडेंट वेव जाती है तो यार इसका एक पार्ट यहां पे रिफ्लेक्ट होता है ना, जब ये एक और यहां पे भी देखो यहां पे भी एक इंसिडेंट वेव होती है तो यार यहां पे रिफ्लेक्ट भी होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्वियसली एक पार्ट ट्रांसमिट भी होता है, एक पार्ट आपका ट्रांसमिट भी होता है, इंसिडेंट वेव की वजह से थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये पता होना चाहिए बस, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यार इसमें ट्रांसवर्स, मतलब इसमें स्टैंडिंग वेव क्यों बनती है ना, ये स्टैंडिंग वेव क्यों बनी, इसमें क्यों बनी, अब तुम बताओ मुझे क्यों बनी, अरे क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, देखो जब मैं यहां से मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं तो क्या हो रहा है यार, वेव यहां से जा रही है, वेव ट्रेन यहां से जाती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव्स हैं ये स्टेशनरी वेव बनाते हैं, तो अगेन एवरीवन प्लीज सी दिस, अब यार ये स्टेशनरी वेव क्यों बनी है स्टेशनरी वेव, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, अगर मैं यहां से डिस्टर्ब करता हूं तो वेव यहां से जाती है, ठीक है, और इस एंड से, इस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स ये स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, तुम्हें दिख रहा है ना, टंग ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, अभी देखो ये, हाँ जहां पे ये सुंदर दिखता है मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने पकड़ ली अपने हाथ की, अब थोड़ा और तेज करता हूं तो देखो थोड़ा सा बीच में ना नॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है, एवरीवन प्लीज सी दिस, ठीक है, देख रहे हो, इसको ज्यादा विग्रेस करेंगे ना, तो हाँ देखो इसको ज्यादा विग्रेस किया तो मैं अगली ओवरटोन में आ गया,
ठीक है, ज्यादा विग्रेस, ज्यादा फ्रीक्वेंट, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ना। तो तुम्हें स्ट्रिंग में तो ये बात समझ में आ गई थी, है ना। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट समझना ये है कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव्स की इट इज नीडेड, ये दोनों वेव्स नहीं होंगी तो कोई स्टेशनरी वेव नहीं बन सकती है, कोई भी स्टेशनरी वेव नहीं बन सकती है, ये आज का सार है, ठीक है। कोई भी स्टेशनरी वेव बनने के लिए ये दोनों की जरूरत होती है। अब ये जो बनी है यहां पे, ये जो बनी है यहां पे, तो तुमने क्या किया, यहां से एक वेव डाली, साउंड वेव डाली, खाली यहां से एक साउंड वेव डालने से ये स्टेशनरी वेव बन जाएगी। आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे भी तो मैंने एक ही एंड से किया था। यहां पे क्या होता है, ये होता है डेंसर एंड, ये होता है रेरर एंड, तो क्योंकि डेंसर से रेरर जा रही है तो एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ना, तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ऐसे स्टेशनरी वेव बनती है एयर मॉलिक्यूल्स में। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब एक्चुअल चीज करेंगे, और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद तो सब आसान है, ट्रस्ट मी, इसके बाद तो सब आसान है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो आपको एक अच्छी खुशी, मतलब एक अच्छी नींद आएगी आज, है ना। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप, इसको ध्यान से देखिए, स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन और अ हॉलो ग्लास ट्यूब, हॉलो ग्लास ट्यूब, हॉलो ग्लास की हो सकती है, बेसिकली ग्लास इज गुड, है ना, है ना। तो बेसिकली इसमें स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बड़ा ही सिंपल होता है, ये ग्लास की तरह होता है, ग्लास मतलब पीने वाला ग्लास, यहां से एंड ये फिक्स्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ क्लोज्ड एंड। तो यार ये क्लोज्ड एंड है, तो यार जब तुमने यहां से साउंड वेव फेंकी, ठीक है यार, यहां पे तो एयर है ना, तो यार यहां पे तुमने साउंड वेव फेंकी, तो यार यहां पे बेसिकली, यार यहां पे तुमने साउंड वेव, या ये बेसिकली ये साउंड कर दिया, है ना, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग साउंड, ठीक है। तो यार यहां से जो वाइब्रेशन गए, या यहां से जो वेव गई, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसने एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे 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 वाइब्रेट कर लिया, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो गए, तो यार यहां से जो वेव, साउंड वेव जा रही है, ठीक है, साउंड वेव इज नथिंग बट डिस्टर्ब्ड एयर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यार यहां पे जो साउंड वेव गई, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये इंसिडेंट वेव गई, ये इंसिडेंट वेव गई, और जैसा कि तुमने पता है ये क्लोज्ड एंड है, तो यार यहां से क्या होगा, जल्दी से बताओ, इट्स अ क्लोज्ड एंड, तो यार यहां पे एक इंसिडेंट वेव जाएगी, और यार यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, सो दिस विल बी द इंसिडेंट वेव, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव। तो यार बेटा बेसिकली स्टैंडिंग वेव किस में बनेगी, स्टैंडिंग वेव इसलिए बनेगी क्योंकि यार आपका एक इंसिडेंट है और आपका एक रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो यार ये दो ऑपोजिट वेव्स हैं, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, मतलब यहां पे एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव क्यों बन रही है, क्योंकि यार देखो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड एंड, ये तो समझ में भी आ रहा है, यहां पे दीवार है, तो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ठीक है। तो यार यहां पे इस ऑर्गन पाइप में यार एक वेव यहां से जा रही है, एक वेव यहां से आ रही है, और इस छोटी सी स्पेस में क्लियरली, मतलब थिंग्स आर नॉट गेटिंग लॉस्ट। अब तुम बोलोगे सर यहां पे स्टैंडिंग वेव क्यों नहीं बन रही है, ठीक है ना, है ना, अब समझो मेरी बात को। तो यार यहां पे बहुत ज्यादा रैंडम है, यहां पे साउंड वेव हर जगह जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, मेरे को यहां वाला बंदा भी सुन पा रहा है, वहां भी, तो अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो सो दिस इज लाइक अ स्पीकर, स्पीकर से साउंड हर डायरेक्शन में जाती है, इसमें अगर तुम देखोगे तो साउंड यहां जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, और फिर यार यहां से वापस आती है, तो जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स है उससे तुम्हारी क्या बनती है, उससे तुम्हारी ये स्टेशनरी वेव बनती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उससे तुम्हारी ये स्टेशनरी वेव बनती है। अब यार ये तो तुम्हें स्ट्रिंग में एग्जैक्टली ऐसा होता है, स्ट्रिंग में एग्जैक्टली ऐसा होता है, बट जैसे कि मैंने बताया एक स्टेशनरी वेव एयर में ऐसा कुछ होता है, एयर में ऐसा कुछ होता है, बट इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इट इज रियली एब्सर्ड टू ड्रॉ दिस, है ना, ठीक है, इतना सब कुछ थोड़ी ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। अब यार एक और चीज, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि यार ये एक ओपन एंड है, दिस इज लाइक एन ओपन एंड, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनती है, ओपन एंड पे हमेशा ध्यान रखना एक एंटी नोड बनती है, ओपन एंड पे हमेशा एक एंटी नोड बनती है, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू क्लोज्ड एंड, इज लाइक अ स्ट्रिंग, है ना। तो बेसिकली यार यहां पे देखो ये ओपन एंड है ना, तो बेसिकली दिस इज लाइक जो एक एंड, मतलब वो याद किया था फ्रीक्वेंसी, है ना, जहां पे हमने एक स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया था, एक एंड फ्री था और एक फिक्स था, तो ये वैसा वाला केस है, देखो एक फिक्स्ड है ना, और एक ओपन एंड है, बहुत ही बढ़िया, एक ओपन एंड है, तो यहां पे तुम्हारी एंटी नोड बन गई, यहां पे तुम्हारी नोड बन गई, ठीक है, यहां पे तुम्हारी नोड बन गई, तो जो स्टेशनरी वेव यहां पे बनेगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कैन यू सी, यहां पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, बिकॉज दिस इज लाइक अ क्लोज्ड एंड, वेव ऐसे जा रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तुम्हें पता है ना रिजिड एंड में क्या होता है, फिक्स्ड एंड में या डेंस एंड में हमेशा रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए यार यहां पे एक नोड बनेगी, तो तुमने बोला क्योंकि, तो यार यहां पे एक नोड बनेगी, ठीक है, तो तुमने लिख दिया कि यार यहां पे एक नोड बन गई, यहां पे एक एंटी नोड बन गई, है ना। तो बेसिकली यार यहां पे स्टैंडिंग वेव क्यों बनती है, सुपरपोज टू क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव, है ना। तो बेसिकली यहां पे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव जब मिलती है तो स्टैंडिंग वेव बनती है, नहीं तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनती। अगर वेव बस यहां से जाती
है ना, समझ गए, और पूरी ट्रांसमिट हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो यार वेव बनती नहीं, स्टैंडिंग वेव, है ना, सही बात है, ठीक है। तो यार अब तुम्हें क्या समझ में आया, अब नमो सर मुझे एक चीज समझ में आई कि यार यहां पे एक जो सबसे छोटी वेव है जो बन सकती है वो ये बन सकती है, सबसे छोटी वेव ये वाली बन सकती है, कैन यू सी दिस, मैंने उतना अच्छा ड्रॉ नहीं किया, मैं फिर से कर देता हूं, माफी, ठीक है, फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये सबसे छोटी वेव बनेगी इसमें, सबको पता ना स्टेशनरी वेव्स में हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना, पत्ती पत्ती पत्ती, है ना, तो बेसिकली सबसे छोटी वेव एंटी नोड और नोड के बीच में क्या हो सकती है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है, और ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो यार सबसे छोटी वेव जो तुम बना सकते थे वो ये थी कि तुमने एक एंटी नोड और नोड ये वाली ले ली तुमने, ये सबसे छोटी वेव थी जहां पे तुमने लैम्डा बाय फोर, ये सबसे छोटी वेव है जो तुम फिट कर सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, इसकी नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि आपने ये नोड ली और ये एंटी नोड ले ली, ठीक है, ये इसकी सेकंड पॉसिबल होगी, सेकंड पॉसिबल समथिंग लाइक दिस, कि आपने एक नोड ले ली फिर एक एंटी नोड है, तो एक नोड और इंट्रोड्यूस कर दो बीच में, एक नोड और इंट्रोड्यूस कर दो, तो एक और फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है वो ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, वो ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, तो ग्रीन वाली विल बी द नेक्स्ट पॉसिबल, रेड वाली विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी द फर्स्ट ओवरटोन, तो ऐसे आप काफी सारी इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसमें, ठीक है ना, तो ये इस पे बाद में आएंगे, इस पे बाद में आएंगे फ्रीक्वेंसी, ये सबसे सिंपल पार्ट है ना, बट इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना यार, ये बनी कैसे स्टेशनरी वेव, बनी कैसे स्टेशनरी वेव, देखो फंडे समझे ना मेरी बात, स्टेशनरी वेव कब बनती है, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आती है तो स्टेशनरी वेव बनती है, तो इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कैसे बनी, यहां से एक साउंड वेव गई, रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ने स्टेशनरी वेव बनाई। अब यार ये तो बात की बात है, ये तो प्लम्बर का काम है, अभी हम प्लम्बर भी बनेंगे, ठीक है ना, तो यार वो पाइप फिट करता है, अपन वेव फिट करेंगे, ठीक है, तो वील बी द फिजिक्स प्लम्बर्स, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, अब आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में। अब यार इसको समझने वाला असली रॉकस्टार है, इसको समझने वाला असली रॉकस्टार है, कैसे है असली रॉकस्टार, अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो इसमें तो यहां से भी खुला है सर, यहां से भी खुला है, 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 बट यार ये तो मत भूलो यार, ये तो मत भूलो कि यार ये डेंस एंड है, ये रेयर एंड है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये एनिमेशन भी करेक्ट एनिमेशन नहीं है मेरे बच्चे, ये एनिमेशन भी करेक्ट एनिमेशन नहीं है, मैं सच बताऊं तो यार ये ओपन एंड है यार, यहां पे बहुत ही डेंस रहेंगे एयर मॉलिक्यूल्स, बट यार यहां पे खुल जाएंगे, है ना, यहां पे बेसिकली ये थोड़ा इनका मोजाई मोजाई टाइप हो जाएगा, तो बेसिकली यार यहां पे ऐसे ऐसे है ना, तो थोड़ा फैलेंगे यहां पे भी, है ना, यहां पे थोड़ा फैलेंगे, तो कैन यू सी यार यहां पे जो SHMs होंगे एयर मॉलिक्यूल्स के, वो ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि यार ये डेंस है, ये रेयर है, और डेंसर और रेयरर में तुम्हें मैंने पहले ही बताया था वेव में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगर ये डेंस है और ये रेयर है ना, यहां पे एयर डेंस है, यहां पे एयर रेयर है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नमो सर ये है कि एक इंसिडेंट वेव आएगी, ये फ्री एंड की तरह होगा, दिस इज लाइक अ फ्री एंड, है ना, फ्री एंड में क्या होता है, ये इंसिडेंट वेव होती है तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही होती है ना, तो इसका एक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक इंसिडेंट वेव ऐसे आ रही है ना, बट रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा ना सर, कम होगा, है ना, तो अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है तो तुम बोलोगे सर डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए स्टेशनरी वेव नहीं बनती, किसने बोला, पार्शियल स्टेशनरी वेव तो बनती है, बट थ्योरी में हम मान के चलते हैं कि सब मतलब प्रॉपर स्टेशनरी वेव ही है, तुम बोलोगे हाँ, तुम बोलोगे सर ये तो प्रॉपर वेव आ रही है सर, यहां पे देखो देखो कम एम्पलीट्यूड वाली जा रही है, तो तुम्हें तो मैंने एक चीज बताई थी ना, अगर दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेंगी डिफरेंट एम्पलीट्यूड ऑल्सो, तो पार्शियल स्टेशनरी वेव भी बनती है उसमें, है ना, ठीक है, उसका तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, तो यार इतनी डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, है ना, फॉर योर जेई मेंस और एंड एडवांस इवन ओलंपियाड लेवल, बस इसको देखो यार यहां पे तुमने फोर को रेजोनेट किया तो एक वेव यहां से गई और यहां पे भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे भी रिफ्लेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ डेंस एंड रेयर वाला फंडा, ठीक है, तो यार ये इंसिडेंट वेव आई और यार ये देखो रेयर और डेंस की वजह से यार ये रिफ्लेक्टेड फंडा, समझ गए मेरी बात, बट प्लीज अंडरस्टैंड फ्री एंड पे क्योंकि ये फ्री एंड है, यहां पे जो इंसिडेंट वेव गई और जो रिफ्लेक्टेड वेव आई है ना, ये इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे ही आएगी, है ना, रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आएगी, इसका एक विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, देखो यहां पे इंसिडेंट वेव ऐसे गई थी, रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही आई, इसका फेज डिफरेंस पाई से नहीं चेंज हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड ए और ए टू ए हो जाता है, मतलब क्या है, यहां पे एक नोड होगी, मतलब सॉरी एंटी नोड होगी, यहां पे एक एंटी नोड होगी, नोड नहीं होगी, यहां पे एक एंटी नोड होगी, और ये भी एक फ्री एंड है, तो यहां पे भी एंटी नोड होगी,
क्या आप ये बात समझ चुके हैं? तो अब यार सिंपल सी बात है यार, जो ओपन एंड है उसको एंटी नोड लेंगे अपन, है ना, ओपन एंड को एंटी नोड, यहाँ पे मस्त खेलेगा ये, है ना, तुम्हारा एयर मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे दीवार होती तो ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल वैसे ही मूव नहीं कर सकता था, है ना, ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो। मतलब यार क्लोज्ड एंड मतलब नोड, क्लोज्ड एंड मतलब नोड, यहाँ पे SHM की रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे SHM की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गेट खुला हुआ है, ठीक है। तुम तो बिल्कुल ऐसे समझोगे, ऐसे याद रखने के लिए आसान होता है, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, नींद अच्छी आएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा गॉड लेवल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखो ये बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, टेल मी वन प्लेस जहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम ये सारा रट लेते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जेई के सवाल हो जाते हैं, और बोलना बड़ा आसान होता है, वेव्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बस ये 10,000 फॉर्मूले लर्न कर लो उसमें से बस, मतलब प्लीज डोंट डू दैट, है ना, ठीक है, दैट इज मतलब वो फिजिक्स को गाली है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। अब यार इसमें देखो, सबसे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वेव तुम कौन सी फिट कर सकते हो, है ना, एवरीवन प्लीज एवरीवन। तो पहले तो ये पत्तियां बना दो, मतलब ये जो पत्ती 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 वाले होते हैं ना, स्टेशनरी वेव्स ऐसी होती है ना, मतलब बेसिकली स्टेशनरी वेव मतलब टंग 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 टंग, है ना। तो मतलब पहले लाल में है अगर एक स्ट्रिंग, तो फिर ये बाद में ऐसे होती है। तो मैंने बताया ना, डिपेक्ट तुम इसको ऐसे ही करोगे, तुम ये एयर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, है ना, समझ गए मेरी बात, मतलब समझ गए, वेरी गुड। अब तुम्हें पता है यार ये नोड है, है ना, ये नोड है, 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 है ना। तो लिख दो यहाँ पे नोड 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 नोड, ओके। अब इनके इनकी जगह यहाँ पे लिख दो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। तो तुमने लिख दिया नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब दो एंटी नोड, सबसे छोटी वेव पॉसिबल नमो सर बता दीजिए, सबसे छोटी वाली एंटी नोड मतलब वो कौन सी पॉसिबल होगी। यस, ये सबसे छोटी वेव पॉसिबल है, सबसे छोटी वेव ये वाली पॉसिबल है कि तुम, है ना, इसके बीच में दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होती है, तो यह सबसे छोटी वेव या सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो तुम डिसाइड कर सकते हो, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो तुम डिसाइड कर सकते हो, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना, समझ गए, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि यार यहाँ पे एयर में साउंड की वेलोसिटी की बात करते हैं अपन, तो यार ये तो कांस्टेंट है फॉर वन एयर, है ना, समझ गए, जो भी होती है वो 340 या जो भी तुम्हें लेनी है, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या गैस जो भी जिस भी गैस में हम बात कर रहे हैं, है ना, वो तो कांस्टेंट है। तो यार अगर हमें छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो बड़ी वेवलेंथ, ऑब्वियसली बहुत बड़ी वेवलेंथ आ रही है ना, देख इसमें पूरी लेंथ ले ली इसने, बहुत बड़ी वेव बनी है, देखिए लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, ठीक है। छोटी वेव क्या होती है, अगर मैं इसमें बहुत सारी वेव्स डाल देता तो वेवलेंथ छोटी होती, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये इसकी मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो यार ये एफ नॉट है, है ना, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी बच्चे, द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी उसको मैं हरे से लूंगा। तो पहले तुमने दो एंटी नोड ली, ठीक है, तो तुमने दो एंटी नोड ली, अब मैं क्या करने वाला हूं, दो एंटी नोड के बीच में दो नोड्स, पहले एक ही नोड थी, अब मैं एक और नोड इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल पॉसिबिलिटी, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ नमो सर, ये बात समझ में आ रही है, हरा वाला डब्बा, ठीक है, जहां पे आपने दो एंटी नोड ले लिया और इसके बीच में दो नोड आ रही हैं, ठीक है, वेरी नाइस। तो नमो सर यार यहाँ पे अब मैंने ये वाला केस ले लिया, प्लीज सी दिस, है ना, इसमें क्या होगा, यहां से ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं बोलूंगा एफ फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। तो हमेशा फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, और हार्मोनिक्स जो होती है ना फ्रीक्वेंसीज, हार्मोनिक्स आर ऑलवेज धोखेबाज, ठीक है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, है ना, तो कभी कभी ऑड हार्मोनिक्स होती है, कभी कभी सारी हार्मोनिक्स होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज एनालोगस, ये वाला जो सिचुएशन होती है, दिस इज वेरी मच एनालोगस टू योर स्ट्रिंग, है ना, जो आपकी स्ट्रिंग वाले फंडे होते हैं ना, इट इज एनालोगस टू दैट, है ना, वेर इट इज जो नॉर्मल स्ट्रिंग होती है ना, नहीं वैसे उसको वैसे रिलेट ही मत करो, उसको रिलेट ही मत करो, ये अलग है, एनालॉजी इस पे मत लाओ, इसको भूल जाओ, जो मैंने बोला उसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब अपन डायरेक्टली इसके फॉर्मूले पे आते हैं, अब बहुत सारे बच्चे क्या इन फॉर्मूले को रट लेते हैं, ट्रस्ट में मुझे आज तक ये फॉर्मूले नहीं पता है, आई डोंट नो दीज फॉर्मूले, बस मुझे इतना पता है कि यार यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो वी बाय 4L आ गई, फिर 3V/4L आ गई, मतलब ये एफ नॉट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती हैं, ये एफ नॉट है तो ये 3F0 आता है, फिर ये 5F0 आता है। जैसा मैंने बताया था ना, अगर सिमेट्रिक सिचुएशंस नहीं होती है, जनरली जैसे यहाँ पे क्लोज कर दिया, सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, तो यार यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स आ रही है, दिस इज वेरी ऑड, है ना, सिमेट्रिक नहीं है, ऑड है, तो ऑड हार्मोनिक्स आ रही है यहाँ पे। अभी क्यों आ रही है, कैसे आती है, उसी चीज को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और जल्दी से हार्ट्स आते रहने चाहिए इन द चैट बॉक्स, अब इसको देखते हैं।
अब ग्लास ट्यूब में मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो तुम एक नोड और एक एंटी नोड में फिट कर सकते हो, तुम्हें पता है क्लोज्ड एंड है ओपन एंड है, तो ये नोड है ये एंटी नोड है, ये नोड है ये एंटी नोड है, तो तुमने यार ये वाली फिट कर दी बड़े आराम से, बड़े आराम से, अरे बड़े आराम से तुमने ये फिट कर दी, ठीक है, बड़े आराम से तुमने यार ये वाली वेव फिट कर दी, है ना। तो तुम्हें बेसिकली कैसे फिट करना था, जैसे कि मैंने बताया था ना, हमेशा कुछ पत्तियां बना दो यार, है ना, ठीक है, कुछ पत्तियां बना दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए था, एक नोड और एक एंटी नोड, ये एंटी नोड था ये नोड था, ठीक है। तो यार ये सबसे छोटा तुम फिट कर सकते हो, सबसे छोटा तुम फिट कर सकते हो, कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वेव्स नहीं चाहिए, कम फ्रीक्वेंट चाहिए, है ना, कम फ्रीक्वेंट चाहिए। तो तुमने ये छोटा सा पार्ट ले लिया, है ना, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल, तो तुमने ये फिट कर दिया इसको, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे फिट कर दिया तुमने, ये वेव ऐसे फिट हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ऐसे ऐसे विग्रस है, यहाँ पे थोड़े कम हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, तो यार यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे, तो समझ गए कैसे वेव बनी है ना साउंड में। ओके, अब तुम बोलते हो कि यार साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड तुमने ले ली वी, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहां पे एयर मान लो। अब यार ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर तुम इस एल को देखो, ये एल क्या है, ये एल क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये तो लैम्डा बाय फोर है, ये वन फोर्थ लैम्डा है, दिख रहा है ना यहां पे, ये लैम्डा बाय फोर होता है, ये लैम्डा बाय, ये लैम्डा बाय टू होता है, तो ये बेसिकली ये एक लैम्डा होता है बच्चे, ये एक लैम्डा होता है ना। तो तूने इसमें से क्या लिया, ये पूरा एक लैम्डा होता है, ये लैम्डा बाय टू होता है, तो तूने इतना सही लिया, तो यार ये लैम्डा बाय फोर होगा, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय फोर, तुमने क्या, लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय फोर, इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा बाय फोर के बराबर हो गई, ठीक है। तो यार यहां से तेरा लैम्डा आ गया 4L के बराबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा, निकालते हैं अपन फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना, ये बेसिक फॉर्मूले को लगाते हैं, तो एफ आ गया हमारा वी बाय लैम्डा, है ना, v तो हमें पता है, लैम्डा भी हमें पता है, तो वेरी गुड यार, यहां से अब तुम इसमें ये डालोगे, तो तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो सबसे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ नॉट भी लिखते हैं, वो क्या आया जल्दी से बताइए, वो तुम्हारा आया वी बाय फोर एल, बहुत ही बढ़िया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इतना सिंपल, ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बस इसको ड्रॉ करो, देखो लैम्डा एल, एल लैम्डा बाय फोर है, लैम्डा फोर एल है, तो v बाय लैम्डा के हिसाब से v बाय फोर एल, है ना, बस सिंपल है। अब तुमने एकदम से, अब थोड़े से उतावले होते हैं कि कौन सी हार्मोनिक है, कौन सी हार्मोनिक है, तो तुम देखते हो दिस इज वन टाइम्स एफ नॉट, वन टाइम्स एफ नॉट, है ना, वन टाइम एफ नॉट है, तो मतलब दैट मीन्स दिस इज एफ वन, जब हम लिखते हैं तो मतलब दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी फर्स्ट हार्मोनिक भी होती है, तो हमेशा हम हार्मोनिक एंड में लिखते हैं, कभी भी इसको रटते नहीं है, एंड में ही लिखते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए हार्मोनिक तो याद कर लेना, आ रही है इसमें एफ नॉट थ्री, एफ नॉट मतलब ऑड आता है, ऑड हार्मोनिक्स आता है, तो मतलब अगर कोई बोले इसकी थर्ड हार्मोनिक, तो मतलब थर्ड हार्मोनिक इज द सेकंड पॉसिबल, है ना, तो ऐसे याद रखना और फिर फिट करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, कभी भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। अब देखो यहां पे स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, बेटा नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फिर से पत्तियां बनाओ, फिर से पत्तियां बनाओ, है ना, स्टेशनरी वेव में पत्तियां बनाने में हमें बड़ा मजा आता है, ठीक है, ये हमने पत्तियां बनाई सर, है ना, ओके। अभी जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमें ज्यादा समझ में आती है, फिर कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ठीक है, कभी नरम तो कभी गर्म, है ना, उल्टा, तो बेसिकली ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, है ना, ये वेव वेव, तो बेसिकली स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव है, स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव है, एयर मॉलिक्यूल्स में तुम्हें पता है थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ना तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें एक चीज पता है यार, यहाँ पे नोड है, ये क्लोज्ड एंड है, और यहाँ पे एंटी नोड है, ठीक है, नोड एंटी नोड, है ना, सारा नोड एंटी नोड का खेल है, ठीक है, सारा नोड एंटी नोड का खेल है। सो इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, अब ध्यान से देखिए, तो यार ये तुम्हारा एंटी नोड है, ये तुम्हारा एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है, और ये तुम्हारा नोड है, नोड नोड ये नोड है ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो चलो अब तुमने ये नोड ले ली, लेट अस से दिस इज द नोड, दिस इज ऑल्सो द नोड, नोड, तो यार पिछले वाले में कितनी नोड थी, जनरली हम नोड्स ऐड करते हैं, यहां पे एक ही नोड थी। अब ना नेक्स्ट पॉसिबल के लिए चलो एक काम करते हैं, एक और नोड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एक और नोड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, एक और नोड इंट्रोड्यूस कर ली। अब ना मैं ये तो ले ही रहा हूं, ये भी ले रहा हूं, है ना, ये दोनों आनी चाहिए नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के लिए, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के लिए ये भी आनी चाहिए, तो यार अब मैं ये वाला एंटी नोड पकड़ लूंगा, यस दिस इज माई नेक्स्ट पॉसिबल,
दिस इज माई नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन. फंडामेंटल की बात क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, इसीलिए ओवरटोन है ना. फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, फिर थर्ड ओवरटोन. हार्मोनिक्स बड़ी धोखेबाज होती है, वो बाद में पता चलेगा कौन सी निकलती है, ठीक है ना. अब चलो एवरी वन प्लीज हैव अ लुक एट दिस. अब यार इस केस में तो तुमने बेसिकली इस चीज को यहां पे फिट कर दिया, इस चीज को यहां पे फिट कर दिया. पहले एक नोड थी, अब तुमने एक और नोड इंट्रोड्यूस कर दी. ये सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है. ज्यादा ज्यादा वेव आ रही है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. तो तुम्हें पता है ना ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा ज्यादा वेव आ गए, है ना, समझ गए. ये लेस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, समझ गए. मम्मी पापा, मम्मी एकदम से जल्दी से बहुत सारी चीजें बोल देती है, पापा को बहुत टाइम लगता है ना. अरे आ गए मम्मी, इतनी देर से कहा था, समझ गए मेरी बात. ओके, क्लियर है ना, समझ गए. तो अब यार ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, ये देखो यहां पे ज्यादा शब्द आ गए, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होता जा रहा है. तो अब नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. वैसे वेव्स को ना वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो ना तो वो ऑडियो फाइल में बहुत सारी वेव्स तुम्हें ऐसे ऐसे दिखती रहती है, साउंड फाइल्स. तो जहां पे ज्यादा ज्यादा ऐसे, मतलब जहां पे कुछ बोला होता है वहां पे वो दिखता है तुम्हें, हाँ यहाँ पे कुछ साउंड वेव्स हैं, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके एवरी वन प्लीज हैव अ लुक एट दिस. अब ये वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी. अब यार इसमें यार ये लेंथ किस चीज के बराबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. यार ये एक लैम्डा बाय टू है, आधा लैम्डा, फिर ये लैम्डा बाय फोर है, तो इसको लिखो लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय टू, और यार ये हो जाएगा लैम्डा बाय फोर. तो ये कितना आ गया, थ्री लैम्डा बाय फोर, ये आ गया थ्री लैम्डा बाय फोर. यार यहां से लैम्डा क्या आई, इसमें जो लैम्डा डाल रहे हो उसमें जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या आ रही है लेंथ के टर्म्स में, फोर एल बाय थ्री. चलो बहुत बढ़िया, फोर एल बाय थ्री, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो F इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा लिखोगे तुम, वी बाय लैम्डा लिखोगे. वेलोसिटी तो V ले लो ऑफ साउंड, ठीक है, ये V ले लिया तुमने. अब यार यहाँ पे तुमने ये प्रीवियसली ऑलरेडी कर रखा है, प्रीवियसली यू नो दैट V बाय फोर एल होता है, ठीक है. अब यार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन और नेक्स्ट पॉसिबल ये क्या आता है, जल्दी से बताओ. इस फॉर्मूले के हिसाब से दैट विल बी V, तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, V तो एज इट इज आ जाएगा. अब यार यहां से जब तुम इसमें ये डालना चाहोगे, है ना, तो वो क्या आ रहा है जल्दी से बताओ. यहां पे 4L आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा. इसको देखते ही तुमने एकदम से बोला, इसको देखते ही तुमने एकदम से बोला कि अरे ये तो क्या है, ये तो 3F0 के बराबर है, ये तो 3F0 के बराबर है. मतलब F1F0 के बाद 3F0 आ रहा है, F0 के बाद 2F0 नहीं आ रहा है, 3F0 आ रहा है. इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो फर्स्ट ओवरटोन है दिस इज ऑल्सो, सो मतलब दिस इज F3, है ना. जैसे इसको आपने F1 बोला था, दिस इज F3. अब तुम बोलोगे दिस इज ऑल्सो नोन एज AKA थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक. तो बी वेरी केयरफुल विथ हार्मोनिक वर्ड, ठीक है ना. जब भी हार्मोनिक आए तो तुम्हें, समझ गया ना मेरी बात. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड ओवरटोन द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ओवरटोन द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी. अगेन एक और नोड इंट्रोड्यूस कर लो, है ना, एक और नोड इंट्रोड्यूस कर लो, ठीक है. सेकेंड ओवरटोन, तो आपने पहले तुमने एक नोड ली थी, फिर तुमने एक और नोड ली थी, तो एक और नोड ले लो ना बच्चे. और यार ये तो तुम्हें पता है क्लोज एंड, तो ये नोड होगा या एंटी नोड होगा. तो तुमने ये एकदम से फिट कर दिया, ये फिट करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं हुई. अगर हुई है तो फिर से बना देते हैं, ठीक है, बना दो स्टैंडिंग वेव, बना दो. क्या कितना टाइम लगेगा स्टैंडिंग वेव बनाने में, ठीक है. तो तुमने ये बनाया, फिर तुमने ये स्टैंडिंग वेव बना दी, ठीक है. चलो ये क्लोज्ड एंड है, ये वो वाला क्लोज्ड एंड है, ये नोड है, क्लोज्ड एंड है तो नोड है. एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, ठीक है. लास्ट टाइम तुमने एक नोड ली थी, ठीक है, अब तुम क्या लोगे, एक और नोड लोगे, ठीक है, एक और नोड लोगे. तो दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल विच यू कैन फिट, दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल विच यू कैन फिट, ठीक है. तो बेसिकली तुमने इसी को फिट कर दिया यहाँ पे, इसी को तुमने फिट कर दिया यहाँ पे. अब तुम देखोगे यार ये वेवलेंथ के टर्म्स में, अब देखो यार ये क्या है, ये एक वेवलेंथ हो गई, है ना, दिस इज लैम्डा और दिस इज लैम्डा बाय फोर, ठीक है. तो यार यहाँ पे जो लेंथ है, जल्दी से बताओ, यहाँ पे जो एल है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय फोर विच इज फाइव लैम्डा बाय फोर, ठीक है, विच इज फाइव लैम्डा बाय फोर, है ना. आई वॉज हाइडिंग द व्यू, ठीक है, समझ में आ गया, विच इज फाइव लैम्डा बाय फोर. अब यार यहां से ये समझ में आया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू फोर एल बाय फाइव, ठीक है. तो तुम्हें लैम्डा मिल गया, तो फ्रीक्वेंसी जल्दी से बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होगा वी बाय लैम्डा, है ना, उसमें ये डालिए. अब जल्दी से देखते हैं यार ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे. सेकेंड ओवरटोन ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, जल्दी से बताओ, फाइव ऊपर जाएगा, फाइव टाइम्स वी बाय फोर एल,
v बाय फोर एल एफ नॉट था। अब तुमने देखा, ओ माई गॉड सर ये तो 5 times एफ नॉट आ गया, मतलब ये तो F5 है। इसको देखते हुए एकदम से आपने बोला ये तो 5th harmonic है, दिस इज ऑल्सो द 5th harmonic। तो यार जैसा कि मैंने बताया था, हारमोनिक्स बड़े ही धोखेबाज होते हैं, ठीक है, सारे नहीं आए है ना, 1, 3, 5 ऐसे आए, ऑड हारमोनिक्स आए, समझ गए मेरी बात। एंड देयर वाज समथिंग ऑड अबाउट दिस ऑल्सो है ना, इसमें एक ही मतलब समझ गया ना, एसिमेट्रिक सा था थोड़ा सा। तो जनरली एसिमेट्रिक में तुम्हें पता चल, अब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े, ओके है ना, ठीक है, ओके ग्रेट। तो दिस इज द सेकेंड ओवरटोन। तो वेव फिट करने में बड़ा मजा आता है, वो फिट नहीं करोगे तो फिर वेव्स का मतलब ही नहीं है, फिर रट लो बैठ के सारे फॉर्मूले है ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट अगेन लगेज बहुत लेके जाओगे, यू विल नॉट, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे बाद में है ना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, IIT को अगर तुम स्टाइल में क्रैक करते हो ना, ये सुनना मेरी बात, मैं बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ, IIT को अगर तुम स्टाइल में क्रैक करोगे ना, तो लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार तुमने एक रिदम में है ना, तुमने एक रिदम में IIT को क्रैक किया है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्रैक किया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन रेजोनेंट, बस कि तुमने इतना अपने आपको वो कर लिया कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, सो दिस इज क्लियर। स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप्स, अब हमने क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसीज देख ली हैं, क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसीज देख ली हैं, तो बेसिकली क्लोज्ड की ये फ्रीक्वेंसीज आ गई सर है ना, एफ नॉट क्या है, वी बाय फोर एल, ये 3v0/4l, i3f0, 5f0, हमेशा याद रखना कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स आती हैं, ठीक है, और एक होती है v/4l। अब यार इस केस में क्या होगा, इस केस में नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसमें अब तुम्हें पता है ये नोड है, ये भी नोड है ना, तो तुम्हें दिख रहा है, सॉरी ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है ना, ये फिक्स्ड एंड है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड है, तो ये एंटी नोड और नोड के बीच में एक नोड आती है, तो यार ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इसकी है ना, यार ये आपके एफ नोड आ जाएगी है ना, ये इसमें आप देखो दो नोड ऐड कर दी तुमने है ना, इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए एक दो और नोड्स ऐड कर दी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के लिए, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी में तुम देखोगे यार ये तुम्हारा 2f0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, इसमें पहले बता रहा हूं, अब ये निकाल के दिखाऊंगा, इसमें तुमने 3 nodes ऐड कर दिए, तो तुम देखोगे कि यार ये 3f0 के बराबर आ जाएगा। इसमें जो f0 होता है, इसमें जो f0 होता है वो क्या होता है, साफ दिख रहा है ना, λ/2 है ना, ये λ/2 है 4l, तो बेसिकली इसमें 4 का फैक्टर नहीं आएगा, इसमें 4 का फैक्टर बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें 2 का फैक्टर आएगा, v/2l आएगा, ये तुम देख लेना, ये v/2l आएगा है ना, v/2l आएगा, एंड दैट्स हाउ इट गोज, ठीक है। इसमें यार ऑब्वियसली बात है, ये इसकी सेकंड हार्मोनिक हो जाएगी, इसकी थर्ड हार्मोनिक हो जाएगी, इसमें सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ इट विल बी, ठीक है। अब चलो इसको जल्दी से करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे है ना, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली एक ऐसे एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में को बजाना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बजाना है, जैसे तुमने स्ट्रिंग को बजाया था, अब इसको बजाते हैं। इसमें कौन सी वेव सबसे ज्यादा आसानी से फिट हो सकती है, क्योंकि ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो तुम्हें पता है कि यार यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, एंटी नोड फ्री एंड, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में एक नोड होती है। अब तुम यार यहां से जल्दी से देखो है ना, यहां से जल्दी से देखो, एक स्टेशनरी वेव बना दो, ठीक है, बना दी सर, ठीक है, एक स्टेशनरी वेव बना दो। स्टेशनरी वेव में देखो दो वेव क्यों बनाते हैं ऐसे है ना, क्योंकि टंग 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 है ना, स्टेशनरी वेव है वो है ना, कभी ऐसे तो कभी ऐसे है ना। तो अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस यार, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां पे एक एंटी नोड से स्टार्ट होता है, एंटी नोड है ना, और यार एक नोड है ना, तो समझ गए मेरी बात ना, तो दो एंटी नोड। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ, दो एंटी नोड लेने हैं तुम्हें, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या है, एक ये कॉन्जिक्यूटिव वालों को पकड़ लो, ठीक है, ये वाली वेव की बात हो रही है, क्या यही वेव है, हाँ यही है, यही सबसे मिनिमम पॉसिबल है, बाकी सब डैम्प हो जाएंगी है ना, तो तुम बेसिकली इसको नहीं, मतलब इससे कम नहीं ले सकते, तुम्हें पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एक एंड करेक्शन भी एक चीज होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड करेक्शन तो और भी मजेदार होता है। अब तुम्हें लगेगा एंड करेक्शन तो सर बहुत टफ होता है, नहीं, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, उसमें हम डिराइव कुछ नहीं करते, फॉर्मूला होता है बस, एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। अगर बट अगर तुमने जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो तुम्हें रियली बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब इसकी बात भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, अब इसको देखो, तो L यहां पे क्या हो गया बच्चे, ये λ/4 होगा, ये λ/4 होगा, तो यार इसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि लेंथ इज इक्वल्स टू λ/4 प्लस λ/4 विच इज इक्वल्स टू λ/2, तो यार यहां से मेरा λ 12 के बराबर आ गया, लैमडा मेरा 12 के बराबर आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ, v इज इक्वल्स टू f λ के हिसाब से, ठीक है, ये मेरी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, तो एफ नॉट ये मेरी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, तो यार ये होगा v/λ, क्या आ रहा है यहाँ पे 12,
12 के बराबर, यही तो बोला था मैंने, V by 12, F not क्या आ गया तुम्हारा V by 12, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, नमो सर, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली दो एंटीनोड ले लो, है ना, ये वाली दो एंटीनोड से एंटीनोड, क्योंकि तुम्हें पता है ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, ये ओपन एंड है सर, एंटीनोड एंटीनोड, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यार ये ओपन एंड है, तो ये एंटीनोड एंटीनोड, तो तुमने ये ले ली है, क्लोज्ड नहीं, ये ओपन है, ओपन ऑर्गन पाइप है, एंटीनोड एंटीनोड, तो अभी दो नोड्स वाला केस ले लिया तुमने, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, तुमने दो नोड्स वाला केस ले लिया, अब ना ये तुमने यहां पे फिट कर दिया, क्या ये यही है, एग्जैक्टली यही है सर, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही है। अब अगर तुम्हें इसको देखना है तो यार जल्दी से बताओ ये क्या है, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय, हाँ तो यार ये क्या तुम्हारा लैम्डा बाय फोर, ये हो गया तुम्हारा लैम्डा बाय टू, ये हो गया तुम्हारा लैम्डा बाय फोर, तो ओवरऑल लैम्डा के बराबर ही आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू एल, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, है ना, फिर थर्ड ओवरटोन, ओवरटोन सारी एग्जिस्ट करती हैं, धोखेबाज नहीं होती हैं, ठीक है, सो वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है बच्चे, एल, ये हो जाएगा वी बाय एल। अब तुम बोलोगे नमो सर थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं, हमने प्रीवियसली ऑलरेडी पढ़ा था कि एफ नॉट क्या था, वी बाय टू एल, ठीक है, v by 12, तो हमने देखा ये तो 2 times f not आ रहा है सर, ये तो 2 times f not आ रहा है, इसका डबल आ रहा है सर ये, है ना, तो क्योंकि ये 2 times f not आया है ना, तो तुमने देखा first overtone is equals to 2 times f not, ठीक है, which is also F2 मतलब second harmonic, F2 मतलब second harmonic, इस 2 को देख के तुमने बोला कि यार this is also known as सेकेंड हार्मोनिक, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकेंड हार्मोनिक आई। यहां पे हमने एक चीज नहीं लिखी थी कि यार ये तो एफ नॉट ही है, तो यार ये वन एफ नॉट है, फर्स्ट हार्मोनिक हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक ओनली, तो दिस इज वन एफ नॉट, तो यार इसको आप एफ वन भी बोलोगे। अब तुम बहुत सारे बच्चे तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एफ नॉट हमेशा एफ वन के बराबर क्यों होता है, क्योंकि यार ये कन्वेंशन है, एफ वन अगर हम ऐसे लिखते हैं ना तो इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, और यार ये कन्वेंशन मैंने बनाया है, अगर मैं रोमन में लिखता हूं, रोमन लेटर्स है ना, अगर मैं रोमन में लिखता हूं इसका मतलब यह है कि ये एफ फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, तो मैंने रोमन लेटर इसलिए बोला बिकॉज आई ऑल्सो नो समवन हुज नेम इज रोमन, ठीक है ना तो बेसिकली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना, तुम लोग नहीं होंगे, तुम लोगों के लिए रोमन रोमन है, ठीक है, रोमन लेटर, ठीक है, तो यार अब समझ गए मेरी बात, तो यार ये वन एफ नॉट है, अब यार इसको ध्यान से देखो, अब इसको ये क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, ये पहला वाला फर्स्ट हार्मोनिक था जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी थी, उसके बाद यार ये तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक आ गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ और फिर यार तुम कर ही लेना, फिर तुम तीन नोड्स वाला ले लेना, तुम तीन नोड्स वाला ले लोगे, तो जब तुम तीन नोड्स वाला ले लोगे अब क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद डायरेक्टली, तीन नोड्स वाले में यार ये लैम्डा बाय फोर, यार ये एक लैम्डा और यार ये लैम्डा बाय फोर, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर, ठीक है, ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाय फोर, ये लैम्डा बाय फोर, तो बेसिकली कितना हो गया, थ्री लैम्डा बाय टू, बिल्कुल क्लियरली थ्री लैम्डा बाय टू, तो 12 बाय थ्री, तो यार 12 बाय थ्री के हिसाब से ये 3F नॉट आ जाएगा, V बाय 12, थ्री टाइम्स V नो है ना, तो बेसिकली 3F नॉट आ जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक है ना, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, तो यार यहां पे सारी हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत ही सिमेट्रिक केस था, सारी की सारी एग्जिस्ट कर रही है, मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए एवरीवन राइट हियर राइट नाउ। चलो अब इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, है ना, नाउ दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, और ये कई बार ये सेम प्रॉब्लम मैंने देखा है ना, स्पेशली AI ट्रिपल ई में, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकता, AI ट्रिपल ई एक टाइम का JEE मेन हुआ करता था, अब JEE मेन इज लाइक AI ट्रिपल ई, ठीक है, वो सेम चीज थी, तो पहले NITs के लिए अलग पेपर होता था, अब NITs के लिए JEE मेन होता है, ठीक है, NITs और अदर कॉलेजेस के लिए, है ना, JEE एडवांस्ड फॉर IIT, तो अब इसमें देखो, इसमें गिवन है कि यार एक यहाँ पे क्या लिखा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुमने ड्रॉ कर ली, हमेशा बेटा ये फिगर तुम्हें गिवन नहीं होगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसको, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, तो तुमने इसको ड्रॉ कर लिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ छोटा पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ओपन ऑर्गन पाइप में एवरीवन, ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एंटीनोड और एंटीनोड, है ना, ये वाली फंडामेंटल होती है ना, इसकी नेक्स्ट पॉसिबल क्या होती है, यहीं पर ड्रॉ कर लो जल्दी से,
प्रैक्टिस है ना, मतलब तुमने कुछ रटा नहीं है इसलिए तुम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, तो तुम बोलोगे नमो सर एक दो और नोट्स इंट्रोड्यूस कर लो यहाँ पे, है ना, एक की जगह दो और नोट्स इंट्रोड्यूस, ये डेफिनेटली है। तो मैं वैसे कर रहा हूँ कि मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे तो मैं लिख सकता हूँ बट मैं वैसे कर रहा हूँ कि मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है। तो तुमने क्या किया, तुमने यार ये वाली इसकी फंडामेंटल होती है, ये इसकी फर्स्ट ओवरटोन होती है, तो तुमने एकदम से देखा ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी सर, अब मैं खुद से कर रहा हूँ, कुछ नहीं आता फिर भी कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व, तो यार मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब क्या है, सो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली वॉट अ गुरु शुड डू। एवरी वन समझो इस चीज को, तुम्हें करना आना चाहिए, स्पून फीड नहीं करेंगे कि यार ये यहाँ पे ये फॉर्मूला, अरे फिर तो कुछ कुछ बचा ही नहीं ना, ये लो देखो आंसर दिखा देता हूँ यार, ये देखो ऐसे ऐसे आंसर आ जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब यार यहाँ पे भी तुम्हें वेव फिट करनी है, तो वेव कैसे फिट करोगे यार, यहाँ पे एक नोट डालोगे, यहाँ पे एक नोट डालोगे, ठीक है, सेकंड पॉसिबल होता है ना फर्स्ट ओवरटोन, तो तुमने इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, यस वेरी गुड, तो तुमने बेसिकली इसमें ये वेव फिट कर दी, इसमें ये वेव आ गई, इसमें ये वेव आ गई, इसमें तुम्हें L2 दे रखा है, तुम्हें L1 निकालना है, इसमें तुम्हें L1 निकालना है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, दीवार बना दी है। अब बच्चे अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या लिखा है कि इसमें तुमने सेम फोर्क से इसको बजाया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज इक्वल टू फंडामेंटल ऑफ दिस, ठीक है ना, और यार ऑब्वियसली सेम एयर मान लोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दोनों में वी है, एयर इज द वेव, ठीक है, साउंड वेव है ना, साउंड की स्पीड की साउंड वी होती है, ठीक है ना, समझ गए, वी और वी। अब मुझे एक चीज बताइए कि यार यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी बराबर गिवन है, इट इज इक्वल, तो अब आपको लेंथ इसकी बतानी है। ट्रस्ट मी, मैं इसको देख के, सबसे पहले तो मैं इसको देख के बताऊंगा एक चीज, देखो बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, v अपॉन f इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अब आपको पता है कि यार v दोनों के लिए सेम है और फ्रीक्वेंसी भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, है ना, वी और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम गिवन ही है ना, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम गिवन ही है, तो यार मुझे एक चीज बताओ, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, वेव की लेंथ सेम होगी, यार यहां पे 1/4 पत्ती आ रही है, यहां पे 1/4 1/4 1/4, अगर तुम इसको ऐसे तोड़ लोगे 1/4 पत्ती 1/4 पत्ती 1/4 पत्ती 1/4 पत्ती, मतलब 1/4 वेवलेंथ, λ/4, यहां पे λ/4 आ रहा है, यहां पे λ/4 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 λ/4, ये चार गुना लेंथ है, तो तुम्हारा आंसर 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये एक तरीका है इसको करने का, मतलब तुमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, तुम्हें बस ये वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा पता था, तुमने ऐसे ही कर दिया इसको, समझ गया ना मेरी बात, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, साउंड इन एयर मतलब यहां पे एयर और H2 ऐसे अलग अलग नहीं है, तो तुमने ये कर दिया, तो जो तुम्हारा लैम्डा है वो उससे तुम निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना, यहां पे जो वेवलेंथ है ना, इट इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तो तुम्हें पता है कि यार ये एक लैम्डा आ गया, ये एक लैम्डा आ गया, λ/4 λ/4, सो मतलब दिस इज लाइक हाफ अ लीफ, हाफ लूप है, चार हाफ लूप आ रहे हैं, यहां पे एक आ रहा है, तो ये अगर 60 सेंटीमीटर है तो ये 60/4 होना चाहिए, ये एक फंडा हो गया। अब दूसरा फंडा जिससे तुमने नहीं किया होगा इसको, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, उसको लिखो यहां पे बैठ के, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी, एवरीवन प्लीज सी दिस, वी बाय एवरीवन, व्हाट इज दिस, वी बाय λ/4 है ना, तो यार यहां पे तुम्हें पता है लेंथ L1, यहां पे जल्दी से बताओ, लेंथ L1 इज इक्वल्स टू λ/4 है ना, तो तुम्हें पता है यार ये λ/4 है, ठीक है, λ/4, तो लैमडा कितना हो गया 4L1। अब बहुत सारे बच्चे इसको रट के आते हैं, बट मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बताया कि विदाउट रट्टोफाइंग इसको कैसे लिखोगे, तो तुमने ये फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर दिया फिर से, है ना, वेव को फिट करके, बी एजाइल इन योर माइंड। अब देखो तुमने इसको देखा, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एंटी नोड 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 जो भी है ना, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे λ/4 λ/2 λ/4, तो यार यहां पे L2 इज इक्वल्स टू लैमडा आ गया, नमो सर L2 इज इक्वल्स टू लैमडा आ गया, है ना, लैमडा L2 के बराबर आ गया, ठीक है, तो यार यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन वो क्या होगी, वी अपॉन लैमडा, है ना, विच विल बी एफ फर्स्ट विल बी वी अपॉन L2, ये तुमने यहां पे ये भी कर दिया, नमो सर ये दोनों इक्वल गिवन है इन द क्वेश्चन, यहां की फर्स्ट ओवरटोन और यहां की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल गिवन है ना, दिस इज गिवन एज इक्वल, तो यार यहां से क्या आता है जल्दी से बताओ, यहां से क्या आता है ना, वी अपॉन 4L1 इज इक्वल्स टू वी बाय L2, तो 4L1
is equals to L2. L1 is equals to L2 by 4, which is 60 centimeter by 4, which is 15 centimeters. Two amazing ways of solving the problem. The worst way of solving this problem is rattification. अगर तुझे रट्टू तोता बनना है तो कोई problem नहीं है, है ना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, है ना, ये रट लेना सारे formula, है ना, ठीक है, रट लेना यहाँ के भी सारे formula, है ना, और जो जो given होगा यार इसका ये है, इसका ये है, ये closed है, ये open है, मतलब इट्स योर चॉइस, है ना। अभी मैं कुछ अच्छे से बेहतरीन सवाल कराऊंगा जिसमें मैं ये यूज नहीं करूंगा, तो तुम्हें ये देखना है कि नमो सर इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तुम्हें ये नहीं देखना कि इसका सोल्यूशन क्या है। यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दिस सोल्यूशन एंड रियली गेट ओवरवेल्म्ड, ओ माय गॉड, है ना। अब तुम्हें ये भी नहीं गिवन होगा, तुम डायरेक्टली इतने छोटे छोटे सोल्यूशन तुम्हें किसी भी किताब में मिल जाएंगे, मैं बेट लगा के बता सकता हूं दो लाइन के सोल्यूशन होंगे, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। इसको रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा वेस्ट हो जाएगा। ऑर्गन पाइप आज तुम्हारा खत्म करके मानूंगा मैं, ठीक है। अब जल्दी से देखो, एन ओपन ऑर्गन पाइप, एवरीवन ओवर हियर, एन ओपन ऑर्गन पाइप रेजोनेट्स, हाँ ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इट रेजोनेट्स एट द फंडामेंटल मोड, ये फंडामेंटल मोड भी है, सबसे छोटा वाला, एंटी नोड और नोड के बीच में एक नोड है ना, ये इसका फंडामेंटल मोड है, बिल्कुल, है ना, फंडामेंटल मोड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, ठीक है, इन एयर, 500 इन एयर, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या गिवन है, इसकी फंडामेंटल इन एयर इज गिवन एज 500, ठीक है, 500 हर्ट्ज। और तुम्हें क्या निकालना है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन, तुम्हें ये चीज निकालनी है। अब यार निकालना बहुत आसान है यार, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पे तुम अगर ध्यान से देखो कि यार ये और ये डेंसिटीज तुम्हें गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हें ये सब चीजें गिवन है। अब मैं अगर तुम्हें ध्यान से याद दिलाऊं, एवरीवन प्लीज प्लीज रिमेंबर, साउंड वेव्स में मैं तुमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, बी बाय रो, है ना, और बल्क मॉडुलस क्या था, गामा पी, याद है, लाप्लास, लाप्लास याद आ गया, गामा पी, है ना। न्यूटन की क्या गलती थी, न्यूटन ने प्रेशर बोल दिया था, उसने बोला था नहीं प्रेशर नहीं है, गामा भी लगा तू, है ना, ठीक है, समझ गए, दोनों अपने एरर के थे, एक को फ्रेंच न्यूटन बोला जाता था। तो अगेन, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इन एनी एयर मीडियम और एनीथिंग इज गामा ऑफ दैट एयर, है ना, और पी बाय रो, ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इसको, या विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर टी बाय एम, ठीक है, आर टी बाय एम, ठीक है। अब जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं बताना चाहता हूं कि यार यहां पे एयर और H2 का गामा लगभग सेम ही होगा, क्योंकि ये एक डायटोमिक गैस है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है ना, एंड एयर में बच्चों, एयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम होता है, और बाकी सारे बहुत छोटा परसेंटेज होते हैं, तो डजंट मैटर, ठीक है ना। तो आपको तो पता ही है, एवरी वन नोज दिस, है ना, नाइट्रोजन ऑलरेडी 7 मतलब बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होते हैं, और वो 1% 2% में बाकी सारी गैसेज आती है, ठीक है ना, और ये दोनों डायटोमिक है। तो यार, तो बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि, है ना, तो बेसिकली एयर में मैक्सिमम डायटोमिक चीजें ही होती है, और ये एच टू इज नियरली द सेम, क्योंकि यार एयर इज मेजरली डायटोमिक, ये भी डायटोमिक है, डायटोमिक, इसमें भी दो आइटम्स है ना, एच टू, है ना, तो दिस इज ऑल्सो डायटोमिक एटॉमिक, ठीक है। तो यार ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज है ना, तो अब यार तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज द वेलोसिटी, है ना। अब अगर मैं ये लिखूं एफ नॉट एयर, ठीक है, एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे जल्दी से बताओ, एफ नॉट का फॉर्मूला, एफ नॉट इज वी बाय 2L, ये तो लिख सकता हूं ना मैं, वी बाय 2L लिख सकता हूं, वी बाय 2L, क्योंकि वी बाय लैम्डा, लैम्डा 2L के बराबर है ना। यहां पर देखो जल्दी से यार, ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा बाय 2 है, सॉरी लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 है ना, 1/4 लैम्डा है ना, ये 1/4 लैम्डा है, ये लैम्डा बाय 4, तो ये लैम्डा बाय 2 है, लेंथ लैम्डा बाय 2 के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L हो गया, ठीक है, वेरी नाइस। तो यार लैम्डा तुम्हारा 2L के बराबर हो गया, लैम्डा तुम्हारा 2L के बराबर हो गया, तो एफ नॉट क्या हो गया, वी बाय 2L के बराबर हो गया, वी बाय 2L के बराबर हो गया, ठीक है, वी बाय 2L के बराबर हो चुका है, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एफ नॉट हो गया तुम्हारा v बाय 2L, एफ नॉट हो गया तेरा v बाय 2L, ठीक है, इज दिस गुड, सही है, बताओ, v बाय 2L। तो यार ये फॉर्मूला हो गया फॉर एनी मीडियम, तो वेलोसिटी इन सम गैस अपॉन द लेंथ ऑफ द दिस थिंग। तो यार एफ नॉट एयर क्या होगा,
अगर मैं यहां पे एयर डालता हूं तो यार यहां पे वेलोसिटी वी है इन सम मीडियम, तो यार एफ एयर क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इन एयर बाय 2L, ठीक है। और अब मुझे इसका बताओ एफ नॉट इन H2 क्या होगा, एफ नॉट इन H2 क्या होगा, वी ऑफ H2 अपॉन 2L, यही होगा, है ना, सही बात है। अब अगर मैं इसको करता हूं 1/2L, इसको भी करता हूं 1/2L, अब यार वेलोसिटी, वेलोसिटी इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, गामा, गामा ऑफ एयर इनटू प्रेशर अपॉन रो ऑफ एयर, ठीक है, अपॉन रो ऑफ एयर, प्रेशर विल बी नियरली द सेम, प्रेशर विल नियरली बी द सेम क्योंकि सेम टेम्परेचर दे रखा है यहां पे। अगर अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पीएम इज इक्वल टू रो आरटी, है ना, तो बेसिकली पीएम, पीएम इज इक्वल टू रो आरटी, है ना, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पीएम इज इक्वल टू रो आरटी, ठीक है, इसीलिए पी बाय रो होता है आरटी बाय एम के बराबर, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला जो है ना गामा पी बाय रो या गामा आरटी बाय एम, यहां पे गलती कर दी थी अपन ने बहुत बड़ी वाली, ठीक है, रुको एक मिनट, इसको देखो गामा लिख दो अलग से और यार ये आरटी बाय एम, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पी बाय रो है वो आरटी बाय एम के बराबर होता है, ठीक है ना, तो ये हो गया गामा पी बाय रो या गामा आरटी बाय एम। तो अगर तुम्हें पता है कि टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, तो यार ये आर टी बाय एम, तो बेसिकली अगर टेम्परेचर तुम्हारा सेम है तो, बट यार तुम्हें मोलर मास नहीं गिवन है, मोलर मास नहीं गिवन है, ठीक है, मोलर मास तुम अलग से निकाल सकते हो एयर का, फिर एच टू का, बट अगर तुम देखोगे लगभग तुम्हारा प्रेशर और गामा लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, प्रेशर इन द केस ऑफ एयर एंड प्रेशर इन द केस ऑफ, इसको तुम कर लेना एज एन एक्सरसाइज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे, और इस डेंसिटी से ही आना चाहिए, तो प्रेशर और टेम्परेचर को सेम मानते हुए, ठीक है, ठीक है। अब देख लो इसको, मैंने लिख दिया, वैसे इतनी लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे, वैसे ऐसा लिख देना चाहिए था, इस प्रॉब्लम को तुम ऐसा लिख दो, है ना, कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, मतलब बिकॉज द पॉइंट इज नॉट, द पॉइंट इज कि तुम्हें ये सब आता है या नहीं आता है, ठीक है, मैं चाहता नहीं कि तुम कैलकुलेट करो, तो है ना, बेसिकली एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, है ना, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको ये कर देते हैं, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर तुम्हारा सेम हो गया। अब देखो, अब तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हें ये पता है 500, तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये निकालना है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज डिवाइड दीज टू, ठीक है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज डिवाइड दीज टू, तो यार इनको डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा 500, ये हो जाएगा एफ नॉट इन एच टू, ठीक है, और बेटा ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को भी डिवाइड करना है, इन दोनों को भी डिवाइड करना है, तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, रो ऑफ एच टू यहां पे आ जाएगा उल्टा, है ना, रो ऑफ एच टू नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा रो ऑफ एयर, ठीक है, तो यार ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट में 0.089 और यार यहां पे आ जाएगा 1.2, और यार इसको कैलकुलेट करके ना तुम्हारा ये आंसर आ जाना चाहिए, इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, ये 1840 आ जाएगा, ठीक है ना, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड दिस, ठीक है, नो द मेथड, इवन जब तुम इसको रिवाइज करो ना, तुम इसको कैलकुलेट फिर से मत करना, बस नो द मेथड हाउ यू हैव डन इट, अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अप्रोच वाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है, टू सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज या जो भी है, चलो, है ना, टू सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज इन एन ओपन ऑर्गन पाइप आर दिस एंड दिस, आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना, तो बेसिकली अब देखो, अब इस क्वेश्चन में भी तुम कुछ रटके नहीं आए हो, कुछ रटके नहीं आए हो, बस तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी, ओपन ऑर्गन पाइप में, याद है, ओपन ऑर्गन पाइप में सारी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, याद है, मैंने एक चीज बताई थी, ओपन ऑर्गन पाइप में सारी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती है, मैंने लिखा था ना यार ये एफ नॉट होगा तो ये 2F नॉट होगा, ये 3F नॉट होगा, जैसे स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग वाला फंडा, है ना, तो बेसिकली टू सक्सेसिव, है ना, तो बेसिकली दो सक्सेसिव अगर फ्रीक्वेंसीज की मैं बात करूं, ठीक है, दो सक्सेसिव, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन काफी है इसके लिए, है ना, अगर मैं दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज की बात करूं तो यार ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एफ नॉट और ये हो जाएगा एन प्लस वन एफ नॉट, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज, है ना, कोई भी दो सक्सेसिव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पहली दो हो, कोई भी दो सक्सेसिव, हमेशा देखो इनका डिफरेंस क्या आता है, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या आता है, एफ नॉट, है ना, इनका भी डिफरेंस क्या आता है, एफ नॉट, ठीक है, माइनस करो, इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, एफ नॉट, तो यार यहां पे तुम्हें बेसिकली ये दे रखा है कि एन टाइम्स एफ नॉट, है ना, एनथ का तुम्हें दे रखा है 1944, है ना,
और n plus 1 एफ नॉट तुम्हें दे रखा है, n+1 एफ नॉट तुम्हें क्या दे रखा है, 2592। और बेटा अगर तुम इनमें से 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, ठीक है, इफ यू डू 2 माइनस 1, ध्यान से देखिए, अगर तुम इसमें 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या होता है, 2 माइनस 1 करने से क्या होता है, जल्दी से बताओ, एफ नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 648। ये आ गया तुम्हारा 648। और तुम्हें बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता चल गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता चल गई। ओ माय गॉड सर, ये मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, ठीक है। और अब इसको ध्यान से देखो यार, ये क्या होती है, ये बेसिकली इसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, दो एंटी नोड के बीच में आपने एक नोड फिट कर दी, ठीक है, ये इसकी सेकेंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तुम निकाल भी सकते थे, तुम इसको निकाल भी सकते थे बाय द वे, है ना, तुम इसको निकाल भी सकते थे। और ना तुम्हें बेसिकली यार ये पता था ना यार, यहां पे देखो जल्दी से, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एवरीवन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, ये एफ नॉट होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जल्दी से, नमो सर, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी बताइए, ये लेंथ एल है, है ना, ये लेंथ एल है, इसको एल ले लो, एल किसके बराबर है सर, इसमें एल इसमें लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर, तो मेरा लेंथ कितना आ गया, लैम्डा आ गया मेरा 2L, तो मेरा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, V, यहाँ पे V बाय लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो ये कितना होता है, V बाय 2L, है ना, V बाय 2L। तो बेसिकली एफ नॉट, बहुत सारे बच्चे लर्न रट के आ जाते हैं, बट मैंने इसको डिराइव कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 648, अब तुम्हें वेलोसिटी पता है, 324, है ना, तो यहाँ पे डालो 324 अपॉन 2L इज इक्वल्स टू 648, ये 2 से जा रहा है, L आ गया 1/4, ठीक है, क्लियर, 1/4, इज दिस क्लियर, बड़ा ही सिंपल था, नाइस। Now this is a very tricky question. I don't know how many times it has repeated. बहुत बार आया है सवाल, है ना, तो इसको लेना बहुत जरूरी है। It is one of the most important class illustration of the organ pipe. इसमें क्या होता है, एक organ pipe तुम्हें given है, है ना, एक organ pipe तुम्हें given है, और यार तुमने क्या बोला, इसमें तुम्हें बोला जा रहा है कि एक closed organ pipe को तुमने काट दिया, काटने से क्या होगा, इसको काटने से तुम्हारे दो पीसेस हो जाएंगे, एक ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा, तो एवरीवन अनइक्वल लेंथ में तुमने काटा, तो इसमें क्या होगा, एक तो तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा, लुक एट दिस यार, ये तुम्हारा बेसिकली L1 हो गया, ये तुम्हारा L2 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा L1 हो गया, ये तुम्हारा L2 हो गया, इसकी लेंथ क्या थी, L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। चलो एक तो तुम्हारा ये रिलेशन हो गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक तो तुम्हारा ये रिलेशन हो गया, फिर तुम्हारी एक ऑर्गन पाइप ऐसा बना, और दूसरा ऑर्गन पाइप तुम्हारा ये क्लोज्ड वाला बना, डिफरेंट लेंस का, ठीक है, ये क्लोज्ड वाला बना, ठीक है, ये दो ऑर्गन पाइप बन गए, इसको काटने से दो ऑर्गन पाइप बन गए, ठीक है, इसको तुमने L1 बोला, इसको तुमने L2 बोला। अब तुम्हें L1 और L2 निकालने यार, गंदे ऑप्शन तो हटा दो, हाँ 100 है, इसका सम भी 100 है, अरे यार अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। अब सुनना, अब यार यहाँ पे तुम ये एयर, दोनों में एयर है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों में वी और वी ही है, ठीक है, दोनों में वी और वी ही है। अब क्या है बच्चों, ये ध्यान से सुनो, इसमें क्या गिवन है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, है ना, इन द क्लोज्ड पार्ट। तो यार यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना दो, चलो, है ना, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुमने बना दी, सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी तुमने फिट कर दी, ये सबसे सिंपल होता है ना, ये नोड है, ये एंटी नोड है ना, सबसे छोटा वाला ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये तुमने यहाँ पे फिट कर दी, इज इक्वल टू, इट इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पार्ट, इसका फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है। मतलब अब देखो, ओपन में अगर तुम्हें याद ना हो तो जल्दी से बना लेना, है ना, एंटी नोड के बीच में एक नोड तो होगी, तो यार ये तो इसकी फंडामेंटल होती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, याद करो, ये तो इसकी फंडामेंटल होती है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में दो नोड ऐड कर देते हो तुम, है ना, ठीक है ना, ऑल यू हैव टू डू इज यू ऐड टू नोड्स, दो नोड को ऐड कर देते हो, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देते हो, तो यार तुम्हें पता चल जाता है कि यार ये वाली तुम्हारी इस वेव की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, तो तुम इसमें फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हो, तो तुम बेसिकली यार यहां पे दो एंटी नोड के बीच में, है ना, दो नोड्स डाल दो,
वेव को बनाओ, वेव को बनाओ जल्दी से, ये बना दिया अपन ने, है ना, है ना, सेकंड पॉसिबल या फर्स्ट ओवरटोन। तो बेसिकली हमने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, वेलोसिटी सेम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यही तो कहते हैं ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यार यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो एफ नॉट है, है ना, इस यहाँ के साइड की एफ नॉट, यहाँ की फर्स्ट, ये दोनों सेम गिवन है, इट इज गिवन एज सेम, इट इज गिवन सेम, ठीक है। तो यार कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये दोनों सेम गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है v इज इक्वल्स टू एफ लैमडा में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की v सेम है, तो दोनों में लैमडा भी सेम होनी चाहिए, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो यार यहाँ पे तुमने कितनी वेवलेंथ फिट की, तुमने 1/4 की, यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये चार गुना है इसका, ये चार गुना है। तो बेसिकली यार इसकी लेंथ इससे चार गुना है, तो यार ये जनरल ऑब्जर्वेशन, तो 4:1 का रेशियो होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जो 4:1 का रेशियो लेके आ रहा है, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। इसको हमने ऐसे ही टिक कर दिया, ऐसे ही टिक कर दिया, बट अगेन अपन को करना है मजे से, अपन को करना है मजे से, चलो इसको आराम से करते हैं, है ना। यहाँ पे जल्दी से बताते हैं, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे L1 कितना है, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4। तो यार यहाँ पे L1 तुम्हारा लैम्डा के बराबर आ गया, लैम्डा के बराबर आ गया। तो जल्दी से बताओ यार यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा V बाय लैम्डा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा V बाय L1, ये तुमने लिख दिया। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी F नॉट, है ना, वो क्या होगा V बाय, अब यार यहाँ पे जल्दी से बताओ, ये होगा लैम्डा बाय 4 के बराबर, तो लैम्डा इसका 4L2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली V बाय लैम्डा, यार ये हो जाएगा V बाय 4L2, ठीक है, 4L2, ठीक है। यार यहाँ पे ये अलग अलग जोन है, तो अब तुम ये मत बोल देना अरे ये तो बराबर है, हाँ बराबर तो है ही, है ना, समझ गए, V बाय 4L2। अब तुमने क्या किया, तुमने इसको एक डब्बे में डाला, तुमने इसको एक डब्बे में डाला, अब यार ये दोनों बराबर हैं, दे आर गिवन इक्वल, दे आर गिवन एज इक्वल। तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको इक्वेट करोगे, है ना, इसको और इसको इक्वेट करोगे, तो तुम बोलोगे v बाय L1 इज इक्वल्स टू v बाय 4L2, तो L1 बाय L2 इज इक्वल्स टू 1/4, 4/1, ठीक है, एक्चुअली 4/1 होगा, ठीक है, 4/1। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 जब तुम इनको सॉल्व करोगे, जब तुम इनको सॉल्व करोगे, तो L1 आ जाएगा तुम्हारा 80, L2 आ जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है। तो तुम्हारा ये सवाल हो गया है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, ध्यान से सुनना, मिस मत करना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। And that is one of the easiest things. जैसे तुम्हारा वो याद है सोनोमीटर, बहुत ज़्यादा हाइप है उसकी, इसकी इतनी हाइप नहीं है, रेजोनेंस ट्यूब, बहुत सारे लोग तो उसको फालतू में छोड़ देते हैं, ठीक है, सोचते हैं यार ये तो सिंपल, वैसे सिंपल है बहुत, रेजोनेंस ट्यूब कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन है तुम्हारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है, एक ऐसा एक यंत्र होता है, एक ऐसा एक यंत्र होता है जिसमें तुम पानी के लेवल को चेंज करते रह सकते हो, पानी के लेवल को तुम चेंज करते रह सकते हो, ठीक है ना। अगर तुमने यहाँ से पानी हटाया, लेट से पानी हटाया, तो ये लेवल भी कम होगा, ये लेवल भी कम होगा, ठीक है, ये लेवल भी कम होगा, ये लेवल भी कम होगा। अब देखो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम रेजोनेंस में हो या नहीं हो, ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलता है, एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट, वो बांसुरी पड़ी है ना वहाँ पे, पूर्णिमा बांसुरी है ना, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट ना, आई एम गेटिंग समथिंग, होल्ड ऑन। अब देखो यार ये एक तो जब मैं पांडिचेरी गया था तो ना मुझे ये बांसुरी मिली थी वहाँ पे ना, ठीक है, मुझे बांसुरी बजाने का कोई शौक नहीं है, है ना, बट आज हम बांसुरी बजाएंगे, ठीक है। तो यार ये बांसुरी कुछ ऐसी बांसुरी है कि इसमें ना इसकी लेंथ को मैं चेंज कर सकता हूँ, एवरीवन प्लीज सी दिस, ये बड़ी मस्त है, इसकी लेंथ को मैं चेंज कर सकता हूँ। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अगर तुम इसको ध्यान से देखो, है ना, ये देखो ये एक ओपन, ये ओपन एंड है, इसको मैं देखो एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना, समझ गए, ये मैंने उसको पूरा क्लोज कर दिया, इसको मैंने पूरा क्लोज कर दिया, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे। सो यार ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह, तो अगर इसमें मैं, अब तुम देखना, मैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकता हूँ, तो अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना, बिकॉज मैंने पूरा क्लोज करके रख रखा है। अब तुम देखना एक क्लोज, अब ना बजाते बजाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे साउंड बहुत ज्यादा ज्यादा आएगी, मुझे पता चल जाएगा हाँ यार ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है ना, ठीक है, देखो, है ना, ध्यान से देखना, हाँ एक रेजोनेंस मिला, एक रेजोनेंस मिला, एक लेंथ पे मुझे रेजोनेंस मिला, मतलब मेरी कोई वेव फिट हो गई वहां पे,
समझ रहे हो, मेरी कोई वेव ऐसे फिट हो गई है ना, समझ में आ गई बात, मेरी कोई वेव फिट हो गई है ना, और ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी सेम है, और मेरी 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 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ इन, वो भी सेम है, मैं मतलब एक रफ्तार में करूंगा, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ है ना, ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है ना। तो अगेन मैं देखो मैं बांसुरी मास्टर नहीं हूँ, बट ना अपन मास्टर है, ठीक है, अपन बांसुरी से तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब तुम समझो, अब मैं थोड़ा और वही फ्रीक्वेंसी से, अभी फ्रीक्वेंसी ढूंढी, इसको और बढ़ाते बढ़ाते एक और फ्रीक्वेंसी ढूंढूंगा जहां पे ये पत्ती फिर से फिट हो जाएगी, समझ गए। देखो लूज हो गई, अब और बढ़ाऊंगा, देखा तुमने, एक लेंथ पे रेजोनेंस आया, दूसरे लेंथ पे भी रेजोनेंस आया। अब देखो अपन को बांसुरी नहीं आती है, अपन ने वैसे ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से नाता तोड़ दिया, बट तुमने देखा कि वो जो लेंथ का डिफरेंस था, अभी ये देखो मैंने यहां पे इसका बहुत कुछ निकाल सकता हूं, लेंथ का डिफरेंस देखो, इससे तुम्हें क्या मिलता है, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें क्या मिलता है, तुमने पहले L1 नोट किया, ओ L1 नोट कर लिया तुमने, फिर तुमने L2 नोट कर लिया, बेटा इससे तुम्हें इस पत्ती की लेंथ मिल जाती है, ये लैम्डा बाय 2 मिल जाता है ना तुम्हें से, ये देखो ये लैम्डा बाय 2 होता है, ये लैम्डा बाय 2 है, तो बेसिकली L2 माइनस L1 इसमें क्या होता है, L2 माइनस L1 तुम्हारा लैम्डा होता है, लैम्डा बाय 2 होता है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें लेंथ मिली, लेंथ के डिफरेंस से तुझे लैम्डा बाय 2 मिला, तुमने दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के बीच की कुछ वैल्यू ढूंढ ली, तो इसमें भी तुमने क्या किया, एक लेंथ पे तुमने देखा, तुमने लेंथ को ऐसे इसको कम करते 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 तुमने देखा, ओ यहां पे फिट हो गया, यहां पे कोई वेव फिट हो गई, इस फ्रीक्वेंसी की कोई वेव फिट हो गई, ये फ्रीक्वेंसी है F4, अरे यार लिख जा, अरे यार रुक जा, है ना, फ्रीक्वेंसी से कुछ फिट हो गया। आई होप तुम्हें एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो तुम इसकी क्लिप भी शेयर कर सकते हो, है ना, बट अगेन अच्छा होना चाहिए ना सब, वो क्या बोलते हैं थंबनेल और ये सब, है ना, तो ये फैन क्लब वाले बच्चे कर सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल। तो अगेन आज मैंने सोचा था कि कुछ नया करता हूँ, थैंक्स टू दैट हूएवर गिव मी दिस, है ना, ठीक है। इससे मैंने बहुत अच्छी तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट किया तुम्हें रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और अभी पता है, देखो मानो ना मानो, बट इसकी मैंने आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, ठीक है, कि कैसे होगा, है ना, और उस प्रैक्टिस के बाद मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट तुम्हारे सामने कर पाया, ठीक है, बट मैं इसको बाहर भूल गया था, है ना, तो जहां पे मैं बैठता हूँ, जहां पे मैं तुम्हारा कंटेंट वगैरह देखता रहता हूँ, है ना, ठीक है, तो है ना, चलो बट अच्छी बात है ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात होती है ना, वही वाली बात है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि यार ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुमने पकड़ ली, मतलब यार यहाँ पे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिट हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से बताओ, सेम वेलोसिटी है ना, और सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा जैसे मैं जिस फ्रीक्वेंसी से एयर को, मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैंने मेंटेन कर रखी थी और ब्लोइंग एयर, वो मैंने सेम रखी थी, मतलब मान लो, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके, है ना, मैं धीरे धीरे ही कर रहा था, है ना। तो फिर मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली उससे, ठीक है ना, तो मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली, है ना, उससे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये हो गया वी, और ये बहुत ही सही है। तो यार इससे तुझे लैम्डा बाय 2 मिल जाता है ना, तुझे पता चल जाता है एक नेक्स्ट पत्ती कौन सी है। तो यार दिस इज लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यार ये तुम्हारा एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह होता है। सो दिस इज लाइक अ, ये जो कॉलम है तुम्हारा, दिस इज लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, दिस इज लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। कैसे बताता हूं कैसे, यार यहां पे जो पानी की सरफेस है, यहाँ पे जो पानी की सरफेस है, ये क्लोज्ड एंड हो गया, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। तो फिर यहाँ पे एक वेव बन गई, कम से कम लेंथ में तुम्हारी एक हार्मोनिक बन गई, ठीक है, तुमने देख लिया, एक हार्मोनिक बन गई, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई, फिर तुम्हारी फर्स्ट ओवरटोन बन गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो उससे तेरे को बेसिकली इस लेंथ का डिफरेंस से तेरे को बेसिकली लैम्डा बाय 2 मिल गया, है ना, समझ गया मेरी बात। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, कि पहली बार हाँ ये बज गया, यू हर्ड दैट साउंड, टंग 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 टंग, ना, तो तेरे को ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, है ना। तो नाउ इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर तुझे ये चीज तेरे माइंड में रह गई, तूने इसको रिवाइज कर लिया, तो तेरे को हर चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है ऑफ साउंड, बेसिकली दिस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, याद है स्पीड ऑफ साउंड, तुमने मतलब ये बेसिकली अपने लाप्लास ने निकाली थी गामा आरटी बाय एम से, है ना, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमने किया था, तब ब्यूटीफुल था वो, है ना, न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल, उसने बोला था नहीं एडियाबैटिक, उसने गलत प्रूफ कर दिया था, उसने वैल्यू भी निकाल ली थी, अग्रीमेंट में भी थी उसकी वैल्यू। अब यार मैंने बताया था ना, बहुत सारे गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, सीवेक्स ट्यूब, ये वो, ये ट्यूब, वो ट्यूब, वैसे अब रेजोनेंस ट्यूब में भी तुम ये कर सकते हो, है ना, तुम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालोगे, तुमने ये ग्लास भरा, बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब भरी, यहाँ पे तुमने एक फोर्क लगा रखा किसी फ्रीक्वेंसी का, तो उस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट करने लगा,
फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेट करने लगा है ना, तो बेसिकली तुमने ये L1 नोट कर लिया, फिर से तुमने इसकी लेंथ को और कम किया तो तुम्हारी बेसिकली सेम वेवलेंथ है ना, तो यार यहाँ पे एक वेवलेंथ थी, यहाँ पे भी सेम वेवलेंथ थी, समझ रहे हो ना मेरी बात, सेम वेवलेंथ क्यों थी, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के हिसाब से, देखो फोर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, एफ इज इक्वल्स टू वी, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना, हाँ वी है ना, समझ गया मेरी बात, वी बाय लैम्डा, लैम्डा ठीक है ना, समझे मेरी बात, तो यार अब तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर सेम है, तो यार अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो दोनों में लैम्डा सेम होगी, दोनों में लैम्डा सेम होगी, तो यार यहाँ पे ये फिट हो गई, अब बेसिकली पानी को ज्यादा फिट, ज्यादा नीचे करूंगा नीचे करूंगा नीचे करूंगा, तो यार यहाँ पे देखो यार यहाँ पे एक नोड थी, यहाँ पे एक एंटी नोड थी, द नेक्स्ट पॉसिबल विल बी, नेक्स्ट पॉसिबल विल बी कि दो नोड्स आए, द नेक्स्ट पॉसिबल विल बी कि दो नोड्स आए, ठीक है, द नेक्स्ट पॉसिबल विल बी कि दो नोड्स आए, और दो नोड्स के एक फंडे में तुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये L1 माइनस L2, सो बेसिकली L2 माइनस L1 है ना, L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू ये आधी लैम्डा बाय 2, यार ये बताओ ये तो लैम्डा बाय 2 होता है ना, वेव लैम्डा बाय 2, तो तेरे को पता चल गया कि L2 माइनस L1 इज लैम्डा बाय 2, बहुत ही बढ़िया नमो सर, बहुत ही बढ़िया, तो अब एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, एफ लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ है, लैम्डा पता है, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा निकाल सकता है, लैम्डा कैसे आया तेरा जल्दी से बता, लैम्डा कैसे आया, लैम्डा यहां से आ गया 2 टाइम्स L2 माइनस L1, तो बेसिकली इनके डिफरेंस है, तूने एक्सपेरिमेंट में L2 नोट किया L1 नोट किया, तेरे को लैम्डा मिल गया, लैम्डा इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1, सिंपल सी बात है, और फोर्क पे लिखा था वो क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो यार बेसिकली अब वो हो गया एफ फोर्क इंटू 2 टाइम्स L2 माइनस L1 है ना, तेरे को फोर्क की वैल्यू पता है, L2 L1 तूने नोट किया, तेरे को वेलोसिटी की वेलोसिटी ऑफ साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल गई, वो अगर इसके बराबर आ गई जो तुम्हारी 340 332 जो भी होती है, तो मतलब तुम अच्छा कर रहे हो है ना, समझ गए मेरी बात, तुम अच्छा कर रहे हो, सो दैट्स अबाउट इट गाइस, और अगर तुम्हें मजा आया, अगर तुमने पहले कभी भी ऑर्गन पाइप्स ऐसे नहीं पढ़ा था, ठीक है, और अब तुम्हारे ऑर्गन्स बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे आईज के ऑर्गन्स, तुम्हारे हियरिंग के ऑर्गन्स, या जो भी सारे सारे ऑर्गन्स है तुम्हारी बॉडी में, अगर वो बहुत अच्छा हैप्पी फील कर रहे हैं, तो यार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम स्टोरीज में मेंशन जरूर करना, और मेंशन करोगे तो आई विल डेफिनेटली रीशेयर दैट स्टोरी, हाईलाइट दैट स्टोरी, एंड ऑल्सो गिव यू अ शाउट आउट, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड लव यू ऑल, एक और चीज बताना चाहता हूँ जाने से पहले, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यार अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो स्केड्यूल है ना, अगर तुम हमसे और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, और नॉट जस्ट आर टीम बट इंडिया की और भी बहुत अच्छे अमेजिंग टीचर्स और ऑथर्स से डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो क्या कर सकते हो, एंड नेक्स्ट लेवल पे अपनी पढ़ाई को ले जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, सबसे पहले तो यार ये स्केड्यूल है ना, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द स्केड्यूल, एंड व्हाटएवर आई एम अबाउट टू से विल रियली चेंज योर लाइफ फॉर गुड, तो जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो है स्केड्यूल। वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे है ना, जे लाइफ डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7-8-9 बजे, 12th की होती है 4-5-6 बजे, दिस इज मंडे टू वेंसडे, उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपकी 12th के लेक्चर्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे, ठीक है, तो जे लाइफ डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11-12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है, है ना, बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4-5-6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड, तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, अब आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे, तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो, या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना, ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर, उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो, उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है, ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12th एक वेबसाइट पे है, बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो, इसमें सब कुछ है, IIT JEE का सब कुछ है, 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं,
तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर, आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं बेटा हर साल, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ, नमो सर क्या मैं जेई क्रैक कर सकता हूं उससे, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कॉन्टेंट से? बेटा आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो इस कंटेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट ए इन द लास्ट टू लास्ट ए केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है, अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहां पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए, नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी को एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, इट्स ऑल आउट देयर। और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है। तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? वी हैव डन इट एंड नाउ यू ऑल, और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेज्ड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरेक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना। यहां पर आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है जहां पर पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, इंटरेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कंटेंट से वो इंटीग्रेटेड है। तो यार ये इंडिया का टॉप कंटेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। तो अनअकैडमी अगर ये गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है। बट यार सारा रोना क्या है, नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं, इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पर पढ़ाती है, बट सर ये पेड है। बेटा अब मैं बताना चाहता हूं अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइफ, ठीक है? या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो, बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है, वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी। क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं? हाँ। क्या वो जेई को सिमुलेट करता है? हाँ। क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ? क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं? किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी? क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चलेगा। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर, हर बैच का सब कुछ मिलेगा। और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है, टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा। द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर, 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस, इंडिया की नंबर वन टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव डेली की टीम। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था, आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वाई दिस इज द टॉप टीम जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है। तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव डेली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है। बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट थे उन सबके सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं, जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, एमएस चौहान सर, ऑथर्स ऑफ सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रिस्निक हैलिडे, थॉमस कैलकुलस, वाइले, जीआरबी, यू नेम इट वी हैव इट, श्री बालाजी पब्लिकेशन। बेटा इतनी इतनी किताब है, इनको इनटू थ्री कर लो, इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो, एंड दैट इज वाई अनअकैडमी इज नंबर वन, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। इसीलिए अनअकैडमी हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा बच्चा गांव गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है बेटा। और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है। अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो, और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव, बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू। और बाय द वे, अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो, ठीक है। उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही है ना, ठीक है। यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल IIT JEE या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है, उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ यूर वन स्टेप अवे। उसके बाद देखो, फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज, आप 9th में हो, 10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइव, है ना। इस कोड को यूज करने का फायदा यह है, क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, दिस इज आर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम, JEE हो ना या नीट, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा बेटा। ये एक साल और 2 साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये 1 साल के हैं और ये 2 साल के हैं। तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसको गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे, पहली चीज। एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में बेटा, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो, यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ। सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन, वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट, 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में। अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पर्सनल कोच, और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस। और अगर आपको लगता है नहीं यार आपको प्लस लेना, तो आप प्लस भी ले सकते हो, बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना। इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है, तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपके पास 12 नहीं है जबकि 15 महीने बाकी है, तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 10th में स्टार्ट कर रहा है तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ लेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है। जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है। NTSC, STSC, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसा बच्चा फोड़ता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए, IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाता है, IIT बॉम्बे में भी
कंप्यूटर साइंस में जाता है, आईआईटी में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इंपेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये टेंथ वाला बच्चा, और नाइन्थ में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। सिक्स सेवन्थ एट के बच्चे यूट्यूब पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छह महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे, और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बेटा नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना, एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस, बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में। तो डू, बट अगेन कुछ देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो, और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो। तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है ये, हर, और बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इज, इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइफ, नमो या नमो लाइफ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो, अभी के अभी कर लो ये, तो है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ, एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का, और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलेगी फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं यार, इसके लिए आर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEELiveDaily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े ये रेवोल्यूशन बनना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना, तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना, दिस इज माय आईडी बच्चों, दिस इज माय आईडी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, हर जगह यही आईडी है डेफिनेटली। स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो डेफिनेटली #JEELiveDaily के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली रियली लाइक, एंड डेफिनेटली डू टैग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर्स इन द कंट्री अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स, एंड आई लव यू फॉर दैट, ठीक है। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना, ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता ना सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, एंड वी वुड लव टू सी यू ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म, वी वुड लव टू सी यू इन अ मच मोर पर्सनलाइज्ड मैनर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सी यू इन माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इज वेल, जहां पर आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पर मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पर आपको एक स्केड्यूल मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब पर सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एंड आई एम विथ यू, द एंटायर टीम इज विथ यू, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।